और बुनियादी तौर पर हमारा जो सियाक रहेगा वो बरसग़ीर पाक व हिंद के हवाले से रहेगा। तो पिछली मरतबा तो मैंने जैसे इसका रीज़न डेट्रे क्या है, इसका वजह जवाज़ क्या है, इस मौजू पर गुफ्तगू करने की ज़रूरत क्या है, इस बारे में चंद बातें अर्ज़ की थी और कुछ असातिज़ा से हमने कुछ बातें सीखी हैं और कई सालों से उनको दोहराते चले जा रहे हैं, जिनका ताल्लुक़ जदीदियत से है, तफहीम मगरिब से है। और वो हमेशा मुझे याद आता है, वो जॉन एलिया का एक क्लिप है ना, वो ज़ाहिर है ड्रामेबाज आदमी था, तो वो बैठा हुआ है, लोग दाद दे रहे हैं, तो बीच में हाँ हम क्या हैं, हमें क्या पता है, और फिर एक बड़ा जुमला उसने बोला था, उसने कहा कि बस बुजुर्गों से सीखा है और बकवास कर रहे हैं। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि बकवास कर रहे हैं, लेकिन बस चंद लफ्ज़ हमने अपने बड़ों से सीखे हैं, उनको हम उसका मोख्ता हम लोगों को सुनाते रहते हैं। लेकिन इसमें जैसे एक इजाफा हुआ है, यानी इस पूरी जो हमारे असातिज़ा के यहाँ जो चीज़ें पाई जाती थी उसमें ये जो इजाफा है ना, इस्तेमार का, इस्तिशराक का, नौबादियाती निज़ाम वाला, ये जैसे कुछ और लोगों ने इसमें, जैसे आप कहें कि उसको लाइम लाइट में लेकर आए, उसमें सीनियर हमारे जो एक दानिश्वर दोस्त कह लें मोहम्मद दीन जौहर साहब, उनका बड़ा हाथ है, और फिर एक और बहुत फाजिल आदमी है डॉक्टर नादिर अकील अंसारी। तो इन दो हजरात ने आकर जैसे कुछ चीज़ों को नुमाया किया, और जी के नाम से एक रिसाला निकाला, उसमें भी पहले भी उन्होंने जो है वो कुछ चीज़ों का तर्जुमा किया नादिर अकील अंसारी साहब ने, पोस्ट कॉलोनियल और नियो कॉलोनियल और इसी तरीके से सबाल्टर्न स्टडीज़ जिसको कहा जाता है उस पर उन्होंने बात की। अब फिर इन्होंने नादिर साहब की सरपरस्ती में एक रिसाला जो है वो निकलना शुरू हुआ है, हर्फ़ नीम गुफ्ता, हाँ इस नाम से शुरू हुआ है। तो उसमें अब दोबारा से नादिर साहब तराजुम भी कर रहे हैं, फ्रांस फेनॉ का किया था, फिर अल्बर्ट मीमी की का किया, और कज़ायर एक है उसका किया। तो ये जैसे एक अहम उनसर था जो लगता था कि जैसे मिसिंग है, तो हमारे इन बड़ों ने आकर जैसे इसकी तरफ भी तवज्जो दिलाई। तो ये जैसे एक ऐसा इजाफा था कि शायद ज़रूरी था कि मॉडर्निटी के बारे में गुफ्तगू करना और तारीखी एतबार से देखना कि उसका क्या क्या असर पड़ा है हमारी फ़िक्र पर, जहाँ इसकी ज़रूरत है वहाँ पर हमारी जो फ़िक्र की तश्कील हुई है, बल्कि हमारे पूरा जो इदारा जाति ढांचा हमारे सामने है, इसके अंदर नौ आबादियाती निज़ाम या इस्तेमार का जो हिस्सा है वो भी जैसे अहम बात थी कि जिस पर बात करने की ज़रूरत है। अच्छा ये इरफान साहब, यहाँ कुछ लोगों के पास ये हैंड आउट नहीं है, तो ये हैंड आउट दे दें उनको, या किसी को भी नहीं मिला हैंड आउट? हाँ हैंड आउट दे दीजिए जो अभी आज है ना इंग्लिश वाला। तो जो पिछली दफ़ा हमने गुफ्तगू की थी तो उसके बारे में हमारे एक फाजिल दोस्त हैं, उनका एक कमेंट मेरे सामने आया था, और वो अच्छा है कि उससे जैसे एक और चीज़ गोया मुझे वाजे करना जो है वो उसमें सहूलत हो जाएगी। और वो उन्होंने कहा कि भाई जो गुफ्तगू थी तुम्हारी वो कुछ ज़्यादा पोलेमिकल थी। पोलेमिकल का मतलब होता है कि जैसे जिसको मतलब एकेडमिक्स के अंदर पोलेमिकल होना ये अच्छा नहीं समझा जाता। पाकिस्तान में जो बाहर के प्रेस हैं, मिसाल के तौर पे जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस है उसकी जो किताबें छपती हैं, तो जो ऑथर्स को वो हिदायत देते हैं उनमें से एक हिदायत ये भी होती है कि भाई ये जो आप जो भी आपके किताब हो या आपकी तहरीर हो पोलेमिकल ना हो। तो पोलेमिकल में जैसे उसका हम तर्जुमा क्या करें, जैसे मुनाजराना कह लें उसको, मुजादलाना कह लें, और जैसे मतलब बीच बीच में जैसे आप समझ लें कि टॉन्ट करना या वार करना या सख्त कमेंट करना, जैसे वो आ रहा है। तो इसमें इस वजह से मैंने यहाँ पर शुरू में ना, अच्छा हो गया है कि मैंने
जो आपको नोट्स दिए हैं ना उसमें जैसे अ नोट ऑन द मेथोडोलॉजी, चंद बातें कि हमारा यहां मेथड क्या रहेगा। देखिए चूंकि ये कोई उन मानों में एकेडेमिक सेटिंग नहीं है, एकेडेमिक इन मानों में कि ये एकेडेमिया का हिस्सा नहीं है, इस स्पेस में आप बैठे हुए हैं, ये कोई मारूफ मानों में तालीमी इदारा नहीं है, ये कोई डिग्री अवार्डिंग इदारा नहीं है कि यहाँ पर हम जो है वो एक ख़ास तरीके से नॉन जजमेंटल होकर, और एक ख़ास तस्वूर है डिसइंटरेस्टेडनेस का, ठीक है, ये इनलाइटनमेंट के बाद सामने आया इमैनुअल कांट वगैरह के यहाँ। डिसइंटरेस्टेडनेस का मतलब होता है कि जब आप किसी भी इल्मी मौजू पर गुफ्तगू करें तो उससे जैसे एक फासला रखकर आप उसके बारे में गुफ्तगू करें ताकि जो भी आपका तज्जिया हो वो ऑब्जेक्टिव हो, मौजू ही आपका जो है वो तज्जिया हो। इस वजह से मैंने चंद बातें यहाँ पर कही हैं कि चूंकि देखें हम जो लोग हैं, खासतौर पर मैं हूँ और हम सब लोग जो हैं वो एक तारीखी तनाजुर के अंदर खड़े हुए हैं और हम उससे बाहर नहीं निकल सकते। तो जब भी हम कॉलोनियलिज्म के बारे में बात करेंगे, इंपीरियलिज्म के बारे में बात करेंगे तो हम कुछ ना कुछ जज्बाती ज़रूर होंगे और हमारे अंदर वाज़े तौर पर जैसे गुस्से के और नफरत तक के जज्बात जो हैं वो भी हमारे सामने आ सकते हैं। मैं अभी ऐसे देख रहा था ये जो नौआबादियाती निज़ाम, ये इस्तेमार के बारे में हमारे शायरों ने जो कुछ कहा हुआ है, तो मीर तकी मीर का एक शेर मेरे सामने आया और लोगों ने लिखा है कि यहाँ पर जिसकी तरफ इशारा है वो इशारा जो है वो अंग्रेज ही है। जाहिर बात है मीर साहब के ज़माने में जो कंपनी बहादुर थी वो तो थी मौजूद और उसकी मजालिम और उसकी जो हेजेमनी है वो सामने आ चुकी थी। तो मीर साहब का शेर क्या है कि कहते हैं कि गैर ने हमको ज़िबह किया, गैर ने हमको ज़िबह किया, न ताकत है ना यारा है, गैर ने हमको ज़िबह किया, न ताकत है ना यारा है, इस कुत्ते ने करके दलेरी सैद हरम को मारा है, इस कुत्ते ने करके दलेरी सैद हरम को मारा। अब ये कौन कह रहे हैं, मीर तकी मीर कह रहे हैं ना। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे मैंने लिखा है ना कि एक होता है फिनोमिनोलॉजिकल स्टडी करना कि बस एक ज़ाहिरे को देखें और ज़ाहिरा जैसे है उसको एज सच जो है वो बयान कर दें कि जी ऐसे ऐसे हुआ है, और एक ये है कि उसके साथ आप एक तनकीदी उनसर को भी शामिल करें और जो उसके अंदर आपके जज्बात हैं वो भी सामने आए। इसी तरीके से मैंने लिखा है कि एक बाइनरी होती है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की, कि चीज़ों को बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली देखना और सब्जेक्टिविटी को बीच में दर ना आने देना। तो ये बात तो अब खुद एकेडेमिया में इस्टेब्लिश हो चुकी है कि ये जो प्योर ऑब्जेक्टिविटी है ये मुमकिन नहीं है, यानी ये एक वहम है। और इस तरह के लोगों ने कार्टून्स भी बनाए हुए हैं ना कि वो आप एक बंदा है और वो जो है वो उसके ऊपर से मास्क उतारा जाता है तो अंदर से क्या आता है, सब्जेक्टिविटी, यानी ऊपर आप जो मर्जी मास्क पहन लें बहरहाल ह्यूमन सब्जेक्टिविटी से आप बच नहीं सकते और ये मुमकिन ही नहीं है। और वैसे भी देखें हमारे यहाँ तो तसव्वुर यही है ना कि हम जो इल्म भी हासिल करते हैं वो एक पोजीशन लेकर करते हैं, ठीक है, इल्म जो है वो कोई एब्स्ट्रैक्शन में नहीं होता, वो एक ख़ास पोजीशन लेकर हम लेते हैं। और आगे मैंने लिखा है कि एक तरीका होता है डिस्क्रिप्टिव और एक होता है नॉर्मेटिव। डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या है कि भाई जो है, ठीक है ना, और एक इजनेस होता है उसके अंदर, इजनेस होती है, एक फैक्चुअल मामला होता है। और जो नॉर्मेटिव कह लें, कुछ लोग इसको प्रिस्क्रिप्टिव भी कहते हैं, जिसमें एक मॉरल एथिकल एलिमेंट भी होता है, ठीक है, उसके अंदर एक वैल्यू एडिशन होती है, उसके अंदर एक ऑटनेस होती है। फिर आगे मैंने एक, ये मैं अभी बस मेथड के बारे में कुछ बातें अर्ज कर रहा हूँ। पीटर बर्गर एक बहुत मशहूर सोशोलॉजिस्ट है, मुझे बहुत पसंद है, इसकी किताबें बहुत इंसाइटफुल होती हैं, बुनियादी तौर पर एक सोशोलॉजिस्ट है, सोशोलॉजिस्ट ऑफ रिलीजन है, अभी कुछ साल पहले मरा है। तो उसने एक जगह पर ये आइडिया पेश किया कि देखें जब भी कोई एकेडमिशियन वो काम करेगा सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन पर तो उसको एक मेथोडोलॉजिकल एथीज़म इख्तियार करना चाहिए। मतलब ये है कि वो जब भी जो है वो गुफ्तगू करे मजाहिब पर बाकी चीज़ों पर तो उस वक्त जैसे वो भूल जाए कि वो क्या है,
वो भूल जाए कि वो क्या है, वो ईसाई है, वो यहूदी है, वो सिख है, वो पारसी है, वो क्या है, और बस बिल्कुल एक जैसे ऑब्जेक्टिवली चीजों को देखें। तो हमारी नाकिस राय में ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। और ये तकरीबन उसी तरह का वहम है जैसा वहम जो है वो जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस के अंदर है ना, कि मैं जब फैसला करने लगूं अदल के बारे में तो मैं एक वेल ऑफ इग्नोरेंस, यानी मैं भूल जाऊं कि मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूं या फैसला कर रहा हूं वो कौन है, ठीक है, उसकी जिन्स क्या है, उसकी नस्ल क्या है, उसका मजहब क्या है, उसकी कौमियत क्या है, वगैरह वगैरह, और मैं बिल्कुल एक जैसे एब्स्ट्रैक्शन में चला जाऊं, तो ये मुमकिन नहीं होता, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने एक माइकल पोलियानी है, बहुत अहम थिंकर है, उसने एक तस्वुर पेश किया है टेसिट नॉलेज का। टेसिट नॉलेज, एक एक्सप्लिसिट नॉलेज होता है, ठीक है, जो गया हमें लगता है कि हमें हासिल है और हम हासिल कर रहे हैं और हमारे शऊर पर है, और एक टेसिट नॉलेज होता है, यानी कोई भी आदमी जब किसी टेक्स्ट के मुकाबले आता है तो कोई ब्लैंक स्लेट नहीं होता। और यहाँ टेक्स्ट हम अपने बिल्कुल जो पोस्ट मॉडर्न मफहूम में बयान करते हैं ना, कि कोई भी यानी यूनिट ऑफ मीनिंग को टेक्स्ट कहते हैं, ठीक है, मतलब ये जो अल्फाज लिखे हुए हैं ये भी टेक्स्ट है, ये जो पंखा है ये भी टेक्स्ट है, ये जो सीनरी है ये भी टेक्स्ट है, ये जो आसमान है ये भी टेक्स्ट है, और एक दूसरा आदमी जो है वो भी टेक्स्ट है, ठीक है, जिसको वो इंटरटेक्चुअलिटी कहते हैं, कि असल में जब भी यहाँ पर कोई मामला होता है तो दो टेक्स्ट मुकाबले में होते हैं, एक दूसरे के सामने आते हैं। तो ये मुमकिन नहीं होता कि हम बिल्कुल ब्लैंक स्लेट के तौर पे आए। हमारी एक अपब्रिंगिंग है, हमारी एक जो है वो खास तरीके से परवरिश हुई है, हमने कुछ पढ़ा हुआ है बहुत कुछ, तो जो भी हमारे सामने टेक्स्ट आएगा उसके साथ जब हमारा इंटरेक्शन होगा ना, तो उसमें वो सारी चीजें हमारे सामने आएंगी। और यहाँ पे उसका एक जुमला है ना, कि वी कैन नो मोर देन वी कैन टेल, ठीक है, कि भाई हम बहुत कुछ लोगों को बताते हैं लेकिन इससे बहुत ज्यादा हम जानते हैं, और वो शायद हमारे शऊर की सतह पर नहीं होता। फिर एक और, ये इन लोगों का तस्करा दोबारा भी आएगा, सेंटियागो कास्ट्रो गुमेज, ये एक कोलंबियन, लैटिन अमेरिकन कोलंबियन थिंकर है, उसका एक कॉन्सेप्ट है 0 पॉइंट ह्यूबरिस। 0 पॉइंट ह्यूबरिस कहता है ये जो इनलाइटनमेंट का आइडिया है ना, और जैसे कार्टीजियन आए है, कार्टीजियन आए उस पर वो तनकीद करता है, यानी ये तसव्वुर के एक बिल्कुल 0 पॉइंट है, एक न्यूट्रल पॉइंट है, वहां से इंसान चीजों पे गौर करना शुरू करता है, ठीक है। तो इसको उसने चैलेंज किया, उसने कहा कि जी ऐसा नहीं होता, और ये उसने कहा कि ये एक यूनिवर्सल एपिस्टेमिक कोड जो है ना, ये इनलाइटनमेंट से आया है, और वो जैसे सबके बारे में ये चाहते हैं कि वो चीजों को इसी तरह देखें। तो उसका वो जो कॉगिटो है ना, कॉगिटो एर्गो सुम, कि आई थिंक देयर फोर आई एम, तो यहां पे उसको उसने चेंज किया, क्या कहा कि आई एम वेयर आई डू एंड थिंक, आई एम वेयर आई डू एंड थिंक, मतलब ये जो एक लुकेल का सवाल है कि मैं कहां पर हूं, मैं किधर लोकेट करता हूं, यहां इससे फर्क पड़ता है, ठीक है, मेरे फहम पर, मेरी सोच पर। तो फिर आगे मैंने एक कोटेशन ग्रामशी का यहां लिखा है, प्रिजन नोटबुक्स में से है ये, तो कहते हैं इट्स नॉट इनफ टू नो द एनसेलम ऑफ रिलेशंस एज दे एग्जिस्ट एट एनी गिवन टाइम एज अ गिवन सिस्टम, दे मस्ट बी नोन जेनेटिकली इन द मूवमेंट ऑफ देयर फॉर्मेशन, फॉर ईच इंडिविजुअल इज द सिंथेसिस नॉट ओनली ऑफ एग्जिस्टिंग रिलेशंस बट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ दीज रिलेशंस, ही इज अ प्रेसी ऑफ द पास्ट, इज द प्रेसी ऑफ द पास्ट। तो मतलब इस तरीके से एक फर्द के साथ ये मामला होता है तो कौमों के साथ भी ये मामला होता है, ठीक है। और पिछली मरतबा मैंने अर्ज किया था ना कि एक हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस है, और जो पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज हैं उनके यहाँ जैसे एक जो कहा ना कि हिस्टोरिकल डायमेंशिया कह लें या एमनीजिया ऐसा हो गया है, कि वो अपना जो उनका माजी था और उनके साथ जो कुछ हुआ है कॉलोनियल एरा में, उसको जैसे उन्होंने भुला दिया बहुत ज्यादा, और उसको याद नहीं रखा। और खासतौर पे हमारे जो पाकिस्तान जिसमें हम रहते हैं, यहाँ तो ये बहुत ज्यादा हुआ है, यानी हमारे पड़ोस में हमारे साथ ही जो आजाद हुआ बरसगीर का एक टुकड़ा भारत के नाम से, इंडिया के नाम से, उसने बहुत बड़े बड़े थेरिस्ट पैदा किए,
यानी पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज में स्पिवक है, फिर उसके बाद जो है आशीष नंदी है, पंकज मिश्रा है, ठीक है। तो इसी तरीके से और कई लोग इन्होंने पैदा किए, और वो तो खैर पॉपुलराइजर है बहुत ज़्यादा, शशि थरूर जो ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन इससे बहुत गहरे लोग उन्होंने पैदा किए, और उन्होंने जैसे इसको मौजू बनाया, इस पर गुफ्तगू की, खासतौर पर इस बात पर उन्होंने काफ़ी तवज्जो दी कि भाई कॉलोनाइजेशन ने जितना जो है वो मुतासर किया है या जितना असर डाला है कॉलोनाइज्ड पर, वैसा ही असर कॉलोनाइजर पर भी डाला है। यानी इस पर, इस बात को उन्होंने बहुत ज़्यादा उभारा, और वो उनके अंदर एक गिल्ट पैदा हुआ, फिर उस गिल्ट को जस्टिफाई करने के लिए फिर वो सिविलाइजिंग मिशन वगैरह के बाद के, जैसे कहते हैं ना कि इस तरह के तसव्वुरात उन्होंने अपने लिए ईजाद किए। तो मगर ये मैंने, चूंकि एक बात आई थी तो मैंने चाहा कि मैं इस बात को थोड़ा सा वाजे कर दूं कि भाई हम जो यहाँ पे गुफ्तगू करेंगे तो एकेडेमिकली भी कुछ चीज़ों को देखेंगे, लेकिन हम चूंकि हमारा मकसूद जो है ख़ास तरीके से ये देखना है कि बरे सगीर पाक व हिंद की जो दीनी फिक्र है, और इसी तरीके से उसकी बाकी जो समाजी माशी सियासी मामलात हैं उस पर क्या असर पड़ा है इस सारे निज़ाम का, नौबादियाती निज़ाम का या इस्तेमार का या साम्राज का। अब देखें ना ये लफ्ज़ भी कितना अहम है, साम्राज। जैसे रामराज का एक तसव्वुर है, इसी तरीके से स्वराज का एक तसव्वुर है, इसी तरीके से साम्राज का तसव्वुर है। अच्छा, इसकी एटीमोलॉजी मैं देख रहा था, कुछ लोगों ने इसको जैसे साम अरबी जबान का जो लफ्ज़ है उससे जोड़ा है, ठीक है, साम का मतलब मौत, ऐसी बीमारी जो तबाह कर दे, यानी वो आप देखा ना कि जो यहूद आकर कहते थे अस्साम अलैकुम कि भाई माज़ अल्लाह आप तुम लोगों पर जो है वो मौत हो या तबाही हो। अच्छा, कुछ लोगों ने इसको जैसे, ये तो तकल्लुफ लगा लेकिन मैंने एक जो है उर्दू के मजमून में, लोगों ने इसको जैसे कहा ना कि जो यूरोप के लोग थे और ख़ासतौर पर नॉर्थ अमेरिका में जो अंकल सैम का तसव्वुर है, तो उन्होंने कहा कि शायद वो साम्राज वहाँ से भी है कि अंकल सैम का राज जो है या जो गोरी चमड़ी वाला है उसका राज, तो उसके साथ भी उन्होंने जोड़ा। तो ये जो पूरी गुफ्तगू है, ये पूरा जो बयानिया है वो काफ़ी हद तक गायब है। पिछली मतलब मैंने इशारा किया था कि हमारे यहाँ इस्तेमार के लफ्ज़ को जो उर्दू ज़बान में या हमारे यहाँ अगर ज़िंदा रखा है तो वो लेफ़्ट के लोगों ने ज़िंदा रखा है, कि वो उन्होंने गोया इसका इस्तेमाल किया, और फिर चूंकि वो उसको कैपिटलिज्म के साथ जोड़ते हैं इस वजह से उनके यहाँ इस्तेमार का लफ्ज़ या ये जो इस्तलाह बयान होती है, बाकी हमारे यहाँ बहुत कम इसका शुयू है। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इसमें हमारे जो सीनियर कुछ असातिज़ा हैं उन्होंने बहुत हिस्सा डाला है कि इस बात को अब जैसे वो सामने लेकर आ रहे हैं, ठीक है। मैंने जौहर साहब का जिक्र किया, नज़ीर अंसारी साहब, नज़ीर लकीर अंसारी साहब का जिक्र किया। तो बादल पिछली मरतबा भी चूंकि मौका नहीं था, एकदम गुफ्तगू जो है वो ख़त्म करनी पड़ी, तो पिछली मरतबा जो बातें की थी या अभी जो मैंने कुछ अर्ज़ किया है इसके बारे में कोई सवाल करना है, कोई बात पूछनी है, कोई कमेंट करना है, कोई इजाफा करना है तो फरमाइए, ताकि हम जैसे गुफ्तगू के जरिए फाम व तफहीम के जरिए आगे बढ़ें। कौन सी? ओहो हाँ, वो मेरा ख्याल है ये टाइपोग्राफिक हो गई। हाँ कॉलोनी, हाँ लेकिन ये सब में ऐसे ही हो गए। ओह हाँ, कॉलोनियलिज्म है जी जी हाँ, ये तो ज़ाहिर है कि गलती है जनाब। इसके अंदर मुमकिन नहीं है। नहीं, वो तो खैर देखें, वो तो आप बात कर रहे हैं ना कि सोशल साइंसेज में जो आप सर्वे करते हैं या आप डेटा हासिल करते हैं उसमें आप वो बात कर रहे हैं ना कि भाई आप जो हैं वो एनोनिमिटी के जरिए लोगों की राय वगैरह हासिल करें। यहाँ तो वो बात कर रहे हैं थ्योरेटिकल मानों में कि एक थिंकर जब किसी फिनोमिना पर गौर करता है
तो उसको चाहिए कि खास तौर पे क्योंकि मजहब की बात हो रही है, सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन की बात हो रही है, तो वहां पर वो जो कुछ खुद उसका एतिकाद है ना और जो उसके अकायद हैं उसको एक तरफ रख दे और गोया इनकार पे खड़ा हो जाए। इस पे तनकीद की, कुछ लोगों ने कहा कि जी मेथोडोलॉजिकल एथीइज्म अच्छा लफ्ज नहीं है, मेथोडोलॉजिकल एग्नोस्टिसिज्म बेहतर लफ्ज है, क्योंकि एथीइज्म में फिर जजमेंट है ना, आप एक पोजीशन लेकर खड़े हुए हैं। तो वो कहते हैं एग्नोस्टिसिज्म कि आप ये कहें कि भाई तशकीक है, हम हमें नहीं पता, हम ओपन हैं, हम जब कोई किसी चीज का जो है किसी फिनोमिना को देख रहे हैं या किसी टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं रिलीजियस, तो हम पहले से इसके बारे में कोई तसव्वुर नहीं रखते। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ कुछ लोग फर्क करते हैं ना फिलोसफी में और थियोलॉजी में, या फलसफे में और इल्म कलाम में, वो भी इसी तरह का है। इल्म कलाम या थियोलॉजी में पहले से एक पोजीशन ली होती है, उसके बाद आप अकली कुछ जो एक्टिविटीज करते हैं, जबकि कहा जाता है, अगरचे मैं इसको नहीं मानता, कि फलसफे में जैसे बिल्कुल एक जो है प्योर रीजन का इस्तेमाल होता है, बिल्कुल चीजें ओपन एंडेड होती हैं और पहले से कोई पोजीशन नहीं होती, हम इसी बात को कॉन्टेस्ट कर रहे हैं कि ये इंसान के लिए मुमकिन नहीं है कि वो हर चीज से खाली होकर किसी चीज के मुकाबले में आए। बहुत से लोगों ने ये बात जैसे कुरान मजीद के बारे में भी कही कि कुरान मजीद से इस्तेफादे की शर्त ये है कि आदमी बिल्कुल खाली उस जहन होकर इसके मुकाबले में आए। इसकी एक मानवीयत है, लेकिन ये बिल्कुल खाली उस जहन होकर आना या पहले से कोई चीज राय कायम किए बगैर, मतलब इल्हामी टेक्स्ट के सामने भी हम नहीं आ सकते, क्योंकि हम बहरहाल एक, मतलब आप कहें ना, लोकेटेड बीइंग है और एक इम्बॉडीड सेल्फ है, उसके कुछ तकाजे हैं जो हम पर आते हैं, और वो मजहबी तौर पर भी ठीक है कि अबवाहु युहव्विदानी है और युनस्सिरानी है और युमज्जिसानी है, कि जब हम एक खास टाइम एंड स्पेस में लोकेट करते हैं तो उसके असरात फिर हम पर पड़ते हैं। ठीक है, ये और कोई सवाल या कोई बात? नहीं, देखिए मिनिमाइज तो हम कहते हैं ना कि तरह तरह से आप कर सकते हैं, लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि बिल्कुल हम जो है इससे आजाद हो जाए ये मुमकिन नहीं। और यहां पे तो इसका मतलब होता था कि भाई आदमी जमानो मकान से मावरा होकर एक चूंकि यूनिवर्सल मैन की शक्ल इख्तियार करे और पूरी इंसानियत का नुमाइंदा बन जाए। ये जो पोस्ट मॉडर्न क्रिटिक है इनलाइटनमेंट या मॉडर्निटी पर, उसमें एक पहलू ये भी है ना कि एक वाइट और आप समझ लें कि एरिस्टोक्रेटिक और जो है आप समझें कि यूरोपियन वाइट मैन, उसने अपनी अकलियत को पूरी इंसानियत का मेयार बना दिया। ठीक है, कि इंसान ये होता है, अकल इसे कहते हैं, ठीक है, जहन ये होता है। तो डिकार्ट ने भी ये किया, कांट ने भी ये किया, कि बस वो उन्होंने कहा कि भाई हम जैसे उस जगह पर पहुंच गए हैं कि हमने कुछ आलमगीर सच्चाइयां दरियाफ्त कर ली हैं, और इसका असर फिर जो है वो कॉलोनियलिज्म पर भी हुआ, इंपीरियलिज्म पर भी हुआ। ये कि उसमें एक पहलू क्या है, यूनिवर्सलिज्म का है, उस पर आगे हम बात करेंगे इंशाल्लाह। जनाब और कोई सवाल या कोई बात? अच्छा, मैंने तो उसका नाम नहीं लिया, डीप का। हाँ, डीप स्टेट हमारे यहाँ खैर कुछ लोग तो कह रहे हैं डीप स्टेट ऐसे ही कहा जाता है, असल में स्टेट ही डीप स्टेट होती है। कि असल में स्टेट क्या है, तो चूंकि लोग ये समझते हैं कि हुकूमत या का मतलब है चंद लोग ऑफिशियल्स होते हैं ना कुछ, और बुनियादी तौर पर कोई वजीर आजम है, कोई सदर है, कोई फलां है और ढिमा है, तो आमतौर पर ये बात कही जाती है कि जिसको स्टेट कहा जाता है वो चंद इस्टेब्लिशमेंट्स का नाम है, उसका मजमुआ है। ठीक है, और मैंने तीन की तरफ इशारा किया था कि एक मिलिट्री है, एक जुडिशल है और एक सिविल है। तो ये जो सेटअप है ना, इसको ही स्टेट कहा जाता है। मॉडर्न स्टेट यानी इंतजामी तौर पर इनका मजमुआ है, और फिर कुछ लोग इसी को डीप स्टेट कहते हैं कि मतलब वो जो सियासतदान वगैरह आपको नजर आ रहे हैं रियासत के नुमाइंदे के तौर पर, ये असल में नहीं है, असल में तो इसके पीछे कुछ और है। और वो कोई पुरस्कार या कोई आप कहें कि मतलब हम उसमें कोई कॉन्स्पिरेसी वाली बात नहीं कर रहे कि कोई छुपी हुई चीज है या खुफिया है। डीप इन मानों में कि जरा गहरी सतह पे जाकर जब तजिया करेंगे तो रियासत के ये इदारे सामने आते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब ये है कि ये जो एम्पायर या इंपीरियलिज्म या कॉलोनियलिज्म पर गुफ्तगू, कॉलोनियलिज्म
तकरीबन 50-51 साल हो गए हैं, 50-51 साल से रिवाइव हो गई है, एम्पायर पर गुफ्तगू होना शुरू हो गई है या इम्पीरियलिज्म को दोबारा से मौजू बनाया जाना शुरू कर दिया है। तो क्योंकि जो एम्पायर का लफ्ज़ है, अभी हम शुरू में बात करेंगे, मैंने कहा कि वाई एम्पायर इज बैक, यानी जो एम्पायर या इम्पीरियलिज्म है इस पर गुफ्तगू क्यों शुरू हो गई दोबारा से। यानी आपको पता है ना कि एम्पायर हो, इम्पीरियलिज्म हो, कॉलोनियलिज्म हो, अब ये एक नेगेटिव लफ्ज है, अब ये एक मनफी लफ्ज है। यानी कोई भी आप कहें पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, ये अब ये कहता नहीं है कि हम एक अम्पायर हैं। यानी अम्पायर एक नेगेटिव टर्म है। जैसे आपको मालूम है कि ओरिएंटलिज्म, एडवर्ड सईद ने इस लफ्ज को इतना गंदा कर दिया है और इतना ज्यादा इसको जैसे आलूदा किया, या इतना ज्यादा उसको डिमीन किया, डिफेम किया, स्टिग्मेटाइज किया, कि अब कोई सेल्फ प्रोक्लेम्ड ओरिएंटलिस्ट नहीं होते, ठीक है ना। और मतलब ओरिएंटलिज्म को लोग ओन नहीं करते। तो ऐसे ही अब एम्पायर को या इंपीरियलिज्म को या यहां तक कि कॉलोनियलिज्म को भी लोग अब ओन नहीं करते। तो ये एक डेरोगेटरी या पेजोरेटिव इसकी कनोटेशन है, ठीक है। और फिर खासतौर पर 1945 के बाद जब डीकोलोनाइजेशन हो गई, तो उसके बाद फिर जैसे और ज्यादा इसको किया गया और इसको स्टिग्मेटाइज किया गया। और कहते हैं कि यहां मैंने एक जुमला लिखा है कि इफ एम्पायर एग्जिस्ट टुडे इट इज अ थिंग दैट डेयर नॉट स्पीक इट्स नेम, यानी अब इसका तस्करा नहीं होगा। जैसे मैंने ओरिएंटलिज्म का जिक्र किया, ऐसे ही कैपिटलिज्म का लफ्ज है ना, तो कैपिटलिज्म को कार्ल मार्क्स ने और उसके जो मुतबईन है उन्होंने बहुत ज्यादा जो है वो स्टिग्मेटाइज किया। इस वजह से अब कैपिटलिज्म का लफ्ज भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है ना। वो लोग के जो खुद इसके कायल हैं, तो इसीलिए ज्यादातर जो है वो फ्री मार्केट इकोनॉमी उसकी जगह लफ्ज बोला जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर अभी भी हम आगे देखेंगे ना कि लोग कह रहे हैं कि भाई न्यू इंपीरियलिज्म है या न्यू कॉलोनियलिज्म है, लेकिन कोई मानता नहीं है इसको, कोई इसको क्लेम नहीं करता। और बल्कि जब ये सब हो रहा था उस वक्त भी ये थोड़ी कह रहे थे कि हम ये कर रहे हैं। यानी आप समझ लें कि 1880 के करीब जाकर पहली मरतबा कॉलोनाइजेशन वगैरह का लफ्ज आना शुरू हुआ, ठीक है। और मतलब उससे पहले ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता था, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे इन्वेजन का लफ्ज इस्तेमाल होगा, ठीक है, और कंकर करने का लफ्ज इस्तेमाल होगा। लेकिन ये बात कि हम कोई इंपीरियल ऑर्डर कायम कर रहे हैं या हम कोई कॉलोनीज थी, कॉलोनीज का जिक्र कुछ लोग करते थे कि हम बनाते हैं, लेकिन बहरहाल ये अगर है भी तो अब इसका नाम नहीं लिया जाता, चूंकि ये बहुत ज्यादा नेगेटिव लफ्ज है। अब यहां पे मैंने कैसे एक जुमला है उसको थोड़ा रिफ्रेस किया है। ये जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है ना, एंगल्स का और कार्ल मार्क्स ने जो मिलके लिखा था, उसका पहला जुमला ये है, स्पेक्टर इज हॉन्टिंग यूरोप, और आगे क्या है, द स्पेक्टर ऑफ सोशलिज्म। वहां तो ये था सोशलिज्म, स्पेक्टर कहते हैं भूत, एक भूत है कि जो यूरोप को हॉन्ट कर रहा है। लेकिन आप अब हम कहते हैं कि द स्पेक्टर ऑफ एम्पायर, यानी चूंकि अब आपको पता है ना कि पोस्ट कॉलोनियलिज्म, डी कॉलोनियल स्टडीज, डी कॉलोनियलिटी, सबाल्टर्न जो है स्टडीज, इसके बाद अब माफिया मंगवाई जा रही है ना, मुजस्मे हटवाए जा रहे हैं। यानी आप आगे जाके हम देखेंगे किस किस तरीके से मामलात हो रहे हैं। रोड स्कॉलरशिप है ना, बड़ा मशहूर, भुट्टो साहब के बारे में कहा जाता था। तो रोड्स के अभी हम पढ़ेंगे आगे जाके कि ये साहब क्या थे और इनके क्या कारनामे थे और क्या कॉलोनाइजेशन में इनका क्या हाथ था, ठीक है। तो और मतलब कोलंबस का तस्करा और रोड्स का तस्करा, कोलंबस डे मनाया जाता था, उसको स्टिग्मेटाइज किया गया, कई जगहों पे जो लोग थे पुराने उनके मुजस्मे हटवाए गए, कई जो है वो यूनिवर्सिटीज में से नाम हटवाए गए कुछ लोगों के। तो अब क्या है कि अब जैसे ये एक आसेब की तरह, यानी गोया उन पर सवार है, और आप समझ लें कि ये एक उनके माजी की ऐसी एक हरकत है कि जिससे अब वो जान छुड़ाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उसका जिक्र न किया जाए, उसका मजकूर ना हो। चुके बहरहाल वो एक शर्मिंदा करने वाली चीज है, वो शर्मिंदा करने वाली चीज है। और अब जो जाहिर है कि वो अपना एक फेस लोगों को दिखाना चाहते हैं, बड़ा ह्यूमन और बड़ा ह्यूमेन, तो ये जो सारी हरकतें वो करते रहे वो उसके मनाफी हैं, ठीक है। फिर ये है कि एक और मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये अब इस पर एम्पायर पर या इंपीरियलिज्म पर गुफ्तगू क्यों शुरू हुई है 40-50 साल में। एक उसका सबब ग्लोबलाइजेशन भी है, यानी ग्लोबलाइजेशन का जो फिनोमिना है, बहुत से लोग
एनोलॉजीज ड्रॉ कर रहे हैं कि इसमें और ये जो एम्पायर थी ना उसमें बहुत ज्यादा मुशाबहत है, यानी ग्लोबलाइजेशन ने दोबारा से बहुत सी वो चीजें जो एज ऑफ एम्पायर में थी ना उनको दोबारा से रिवाइव कर लिया है, दोबारा से जिंदा कर लिया है। मिसाल के तौर पे मल्टी कल्चरलिज्म, आपको पता है बहुत ज्यादा इसका गलगला है मल्टी कल्चरलिज्म की, बहुत सारे कल्चर्स हैं जी और बहुत सारे कल्चर्स को हमें केटर करना है और इन तमाम लोगों का हमें ख्याल करना है। तो ये जो एम्पायर थी, एम्पायर भी बुनियादी तौर पर मल्टी कल्चरल थी, और जैसे आज नाम तो लिया जा रहा है मल्टी कल्चरलिज्म का, डाइवर्सिटी का, प्लूरलिटी का, लेकिन असल में एक खास तरह की हेजेमनी कायम की जा रही है। तो वैसा ही जो था वो एज ऑफ एम्पायर में भी था कि बजाहिर एक मल्टी कल्चरलिज्म है लेकिन असल में एक चाह रहे हैं कि भाई एक खास रंग में लोगों को रंगे। ठीक है, वो जो हमने लॉर्ड मैकॉले का जुमला पढ़ा था ना कि भाई हमें एक खास ब्रीड चाहिए, एक खास कौम नस्ल चाहिए कि जो बस रंगत में और अपने खून में तो हिंदुस्तानी हो लेकिन अपने तसव्वुरात में, अपने ख्यालात में, अपने अज़वाक में बिल्कुल जो है वो यूरोपियन हो जाए। दूसरा है चैलेंज ऑफ इमिग्रेशन एंड माइग्रेशन। तो अब आपको पता है कि बहुत ज्यादा ये मामलात हो रहे हैं, ठीक है, और ये गोया उस वक्त भी था, इमिग्रेशन भी माइग्रेशन भी। और आपको मालूम है कि कॉलोनीज का मतलब ही ये है कि दूसरी जगह पे जाके सेटलमेंट कर लेना, तो उस वक्त भी ये हुआ, यानी पूरी पूरी आबादियां शिफ्ट हुई। फिर स्लेव ट्रेड में लाखों जो थे काले उनको उठाकर दूसरी जगह पर ले जाया गया। तो माइग्रेशन या इमिग्रेशन के हवाले से भी अब बहुत सी चीजें ऐसी हो रही हैं जो एम्पायर के साथ मुशाबे हैं। फिर तीसरा है थ्रेट टू नेशन स्टेट्स, के ये बात बहुत आम है, कही जाती है कि जो नेशन स्टेट है वो तो टेरिटोरियल है, वो टेरिटोरियल है, और जो कैपिटल है वो डीटेरिटोराइज हो गया है, कैपिटल जो है वो ग्लोबल हो गया है। ठीक है, तो इस वजह से ग्लोबलाइजेशन का एक चैलेंज है। तो जिस तरीके से नेशन स्टेट्स को अब जैसे खतरा है, एम्पायर्स में भी ऐसा था। एम्पायर्स क्या थी, वो भी मल्टीनेशनल थी और सुपरानेशनल भी थी, मल्टीनेशनल थी और सुपरानेशनल थी। ये मैंने अभी क्या बात अर्ज की है कि एम्पायर का तसव्वुर दोबारा से लाइमलाइट में आने में एक जो है वो बड़ा अहम चीज क्या है, वो ग्लोबलाइजेशन का तसव्वुर है। लोगों को लग रहा है कि ग्लोबलाइजेशन के जरिए पुरानी जो एम्पायर थी ना, जो इंपीरियल एज थी, उसकी बहुत सी चीजें दोबारा से हमारे सामने आ रही हैं, रिवाइव कर रही हैं। ठीक है, इस वजह से भी ये हो रहा है। बहुत से लोगों ने कहा है कि यूरोपियन यूनियन जो है वो एक जैसे हैब्सबर्ग एम्पायर थी ऑस्ट्रिया और जर्मनी वगैरह की, वो या उसी की जैसे एक रिवाइव शक्ल है, या होली रोमन एम्पायर की एक नई शक्ल है। तो गोया यूरोपियन यूनियन के बारे में भी ये सवाल उठ रहे हैं कि ये भी एक नया इंपीरियल ऑर्डर है जो कायम हो रहा है। फिर एक लिखा है मैंने, सेंस ऑफ नॉस्टैल्जिया। ये होव जो है ये एक अच्छा थिंकर है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक सीरीज होती है ना, अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन, और ये मैंने सैकड़ों बल्कि हजारों शायद अब इसके वॉल्यूम्स होंगे, और आमतौर पर जो भी किसी फील्ड का बहुत माहिर आदमी होता है उससे ये लिखवाते हैं। तो इसने होव ने लिखी है, यानी इंपीरियलिज्म पर जो लिखी है, बल्कि एम्पायर पर जो लिखी है वो इसने लिखी है। इसमें वो ये बता रहा है कि जैसे बहुत से लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि एम्पायर को आपने बहुत ज्यादा स्टिग्मेटाइज किया, बहुत ज्यादा स्कैंडलाइज किया, लेकिन एम्पायर के बाद जो कुछ हमारे सामने आया है ना, और जो नेशन स्टेट वगैरह का तसव्वुर है, ये बहुत हवालों से वो उससे ज्यादा हेजेमोनिक है। यानी अब कुछ लोग जैसे एम्पायर को याद करने लगे हैं, जैसे आज आपको पता है ना बहुत से लोग हैं जो यहाँ पे अंग्रेज का दौर याद करते रहे ना, कितना अच्छा दौर था, क्या उसमें खूबियां थी, क्या खैर था, फला फला। तो ये जाहिर बात है जो आदमी है ये कोई एम्पायर या इंपीरियलिज्म का कायल नहीं है, लेकिन ये उसका एक इक्तिबास मैंने नकल किया है कि कुछ लोगों के अंदर यानी एम्पायर को दोबारा से लोग याद करने लगे हैं। ठीक है, वो जो एक मिसरा है ना कि जब दिया रंज बुतों ने तो खुदा याद आया। तो अब सूरत हाल ऐसी हो गई, जैसे अगर हम जिस तरह मैं बार बार ये बात अर्ज करता हूं कि जो लोग कहते थे ना कि मुलुकियत थी, मोनार्की थी, टेरिटेरियनिज्म था,
ठीक है, ओलिगार्की थी, तो मॉडर्न स्टेट ने जिस तरह की हेजेमनी कायम की है उसके मुकाबले में वो तो बहुत ज्यादा आपको ऐसे लगता है कि उसमें तो इतनी इतना इतनी हेजेमनी थी नहीं, या अगर आप कभी गौर करेंगे तो बहुत ज्यादा दागदार किया गया है जागीरदारी के लफ्ज को, जागीरदारी जागीरदारी जागीरदारी। तो जागीरदारी निजाम में वो जुल्म बिल्कुल भी नहीं थे जो सरमायादाराना निजाम में, यानी वो जो इसको कमी कह लें या मुजारा कह लें, वो पूरी तरह से जैसे जिम्मेदारी होती थी लैंडलॉर्ड की या जिम्मेदार की। लेकिन ये जो मॉडर्न कैपिटलिज्म का ऑर्डर है ये तो बहुत ज्यादा जालिमाना है, बहुत ज्यादा जैसे इनह्यूमन है। तो इसी तरीके से ये इक्तबास मैं पढ़ देता हूँ आपके सामने। एटलीस्ट सम ऑफ द ग्रेट मॉडर्न एम्पायर्स, द ब्रिटिश, फ्रेंच, ऑस्ट्रो हंगेरियन, रशियन एंड इवन द ऑटोमान, हैड वर्चूज दैट हैव बीन टू रेडिली फॉरगॉटन। दे प्रोवाइडेड स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड लीगल ऑर्डर फॉर देयर सब्जेक्ट्स। दे कंस्ट्रेंड एंड एट देयर बेस्ट ट्राई टू ट्रांसेंड द पोटेंशियली सेवेज एथनिक और रिलीजियस एंटेगनिज्म्स अमंग देयर पीपल्स एंड द एरिस्टोक्रेसीज विच रूल्ड मोस्ट ऑफ देम वर ऑफन फार मोर लिबरल, ह्यूमेन एंड कॉस्मोपोलिटन देन देयर सपोजिटली एवर मोर डेमोक्रेटिक सक्सेसर्स। यानी अब जो डेमोक्रेटी डेमोक्रेसी है और एम्पायर का दौर खत्म हो गया है और जनाब नेशन स्टेट है, तो वो ये कह रहे हैं कि वो उनसे कहीं बेहतर थे। यानी अगर आप लिबरल भी माने तो ज्यादा लिबरल थे, ज्यादा ह्यूमेन थे। द रिवर्स ऑफ ब्लड अनडैम्ड बाय ईच एम्पायर्स फॉल फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ इंडिया टू द करंट फेट ऑफ चेचनिया शुड मेक अस थिंक अगेन अबाउट द एलिज वर्चूज ऑफ नेशनल डेमोक्रेसी इन हुज नेम सो मच एट्रोसिटी इज सेंक्शंड। यानी मतलब ये कि उसके जाने के बाद भी आपको बेटर ऑफ नहीं है, यानी आपको बेहतर हालात में नहीं आए बल्कि कई हवालों से उससे ज्यादा खराब हुए। मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि एम्पायर का तसव्वुर क्यों या इंपीरियलिज्म का तसव्वुर दोबारा एकेडेमिया में लाइमलाइट में जो आ रहा है उसका एक सबब ये भी है कि कुछ लोगों के यहाँ एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग भी जो है वो पैदा हो रही है कि भाई शायद इस वक्त जो कुछ हो रहा है पहले जो कुछ था वो इससे यानी यानी बेहतर था, यानी पहले वाला बेहतर था, ये वाला जो है बदतर। फिर मार्क्सिस्ट म्यूजिंग्स, जैसे मैंने अर्ज किया है कि हमारे यहाँ भी बरसगीर में भी यानी पाकिस्तान में खास तौर पर इस्तेमार का जो लफ्ज है, ये जो इस्तलाह है, इसको जिंदा जो है वो लेफ्ट के लोगों ने रखा हुआ है। और उसके उसके पीछे एक सबब यह भी है, लेनिन का एक आर्टिकल है 1916 का, इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। क्योंकि यानी मार्क्सिस्ट एनालिसिस में इंपीरियलिज्म ऑब्लिक कॉलोनियलिज्म का वो कहते हैं असल इम्पिटस क्या है, वो इकोनॉमिक है, ठीक है, वो फाइनेंशियल है। उसके अलावा जो दूसरा है मतलब पॉलिटिकल है, ठीक है, और दूसरा है उसको वो नहीं लाते। इसी वजह से आप देखें ना कि वो सोवियत एम्पायर का नाम नहीं लेंगे, हालांकि आपको पता है कि सोवियत यूनियन ने किस तरीके से एक्सपेंड किया कि इसको हम आम मावराउन नहर कहते हैं ना, जो सारे इलाके हैं हमारे और जो यूएसएसआर के टूटने के बाद अलग अलग मुल्क बन गए, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान वगैरह वगैरह, तो वो क्या थी, वो इंपीरियलिज्म था ना, ठीक है, जो जाज ने किया था। लेकिन अब उनके यहां जब इंपीरियलिज्म का जिक्र होगा तो गोया वहां पर मुराद अमेरिकन इंपीरियलिज्म होगा, सोवियत इंपीरियलिज्म नहीं होगा। क्यों? चूंकि उन्होंने उसको क्लिप कर दिया है ना, उसको जोड़ दिया है किसके साथ, इंपीरियलिज्म को कैपिटलिज्म के साथ। तो इसका मतलब यह है कि जो दूसरा पहलू है उसका हेजेमोनिक या जो है गलबे का या कल्चरल खास तौर पे, यानी किस तरीके से कितना जुल्म किया है सोवियत यूनियन ने और बाकी जो जो हम अब कहते हैं समरकंद, बुखारा और ये सारे इलाके कौन से थे, उनके तहत थे ना, और किस तरीके से वहां मसाजिद को बर्बाद किया, मदारिस को खत्म किया, यानी उस सब से आंख बंद कर लेते हैं लेफ्ट के लोग, यानी उसका जैसे मजकूर ही नहीं है ना। यानी वो गोया कोई एम्पायर नहीं थी, वो कोई इंपीरियलिज्म नहीं था, इंपीरियलिज्म जो है वो गोया कैपिटलिज्म से आपने उसको जोड़ दिया, तो इससे गोया आपने क्लीन चिट इनको भी दे दी ना, सोवियत यूनियन को भी दे दी, चाइना को भी दे दी, खास मानों में चाइना ने जो जो कुछ अभी भी वो कर रहा है ये गैर मुसलमानों के साथ या बाकी लोगों के साथ, ठीक है। तो एक ये पहलू भी इसमें है। और कार्ल मार्क्स पर जब हम बात करेंगे आगे जाकर तो आप देखेंगे कि उस वो तो जो है वो कॉलोनियलिज्म के हक में था, ब्रिटिश जो है वो यहाँ के गलबे के हक में था, उसने आर्टिकल्स लिखे, यानी जो है वो अखबारों में आर्टिकल लिखे, एक उसका आर्टिकल है उसके एक इकतबास मैंने नकल भी किया था, द फ्यूचर रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये 1853 में
ये कार्ल मार्क्स ने जो है एक आर्टिकल लिखा था, और उसमें उसने कहा है कि इसका फायदा होगा, यानी इसका ये जो कॉलोनियल जो है यहाँ पे पावर आई है और इंडिया पे ये लोग आए हैं, और भी कई जगह पे उसने कहा है कि भाई चूंकि कार्ल मार्क्स का तस्वुर ये भी था ना कि असल में तो तारीख मुख्तलिफ मराहिल से गुजरेगी, ठीक है, तो जागीरदारी होगी, उसके बाद फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आएगा, तो उसके बाद फिर जाके अगले मरहले आएंगे। तो उसने कहा था कि भाई ये वाला जो मरहला है ना, ये अंग्रेज ही आकर कर सकते थे एक्सपेडाइट, ये जहां के लोग हैं, उसने कहा जी घास खाने वाले लोग हैं और जनाब जो है वो सब्जियां खाने वाले लोग हैं, इनके बस का नहीं था। तो अच्छा ही हुआ है कि भाई वहां से अंग्रेज बहादुर आ गए और आकर उन्होंने उनको सीधा पदरा कर दिया, थोड़ा सा मुहज्जब बना दिया वगैरह वगैरह। तो बहरहाल ये वो पहलू है जिसपे गोया जवाब देना पड़ता है उन लोगों को ना, कि भाई कार्ल मार्क्स ने तो गोया सपोर्ट किया था कॉलोनियलिज्म को, उसके हक में जो है आर्टिकल्स भी लिखे थे। तो बहरहाल लेकिन मैं प्रेस कर रहा हूं कि यहां पर हमारे यहाँ साम्राज्य का लफ्ज और इस्तेमार का लफ्ज, ये बादल लेफ्ट के यहां भी पाया जाता है, इस वजह से भी वो लाइम लाइट में। फिर एक द आफ्टर लाइफ ऑफ एम्पायर, जैसे एक एक, एक जैसे मौत होने के बाद भी एक और जिंदगी होती है ना, तो एम्पायर की एक आफ्टर लाइफ भी है जो इस वक्त हम भुगत रहे हैं। और कहते हैं कि वही जो लेगेसी है जो हॉन्ट करती रहती है कॉलोनाइज्ड को भी और कॉलोनाइजर को भी, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है अब वो पोस्ट 1945 इमिग्रेशन इंटू यूरोपियन सोसाइटीज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम द फॉर्मर यूरोपियन एम्पायर्स, द एम्पायर स्ट्राइक्स बैक, ये बुनियादी तौर पे जो स्टार वॉर की एक सीरीज आती थी ना, उसमें एक जो उसका आप समझ लीजिए सीजन था, उसका नाम ये था। तो अब जैसे द एम्पायर स्ट्राइक्स बैक, तो अब आपको पता है कि बहुत से लोग जिन्होंने काम किया है इस पर पोस्ट कॉलोनियल हवाले से, उनमें से बहुत से ऐसे हैं कि जिनका एक्सपीरियंस ये वाला था और उनकी जिंदगियां जैसे डिवाइडेड थी, उनकी जिंदगी का एक पोर्शन जो है वो उसका ताल्लुक कॉलोनाइजर के साथ था, एक का ताल्लुक जो है कॉलोनाइज्ड के साथ था। जैसे मिसाल के तौर पे कैमू था या फेनॉन था, तो ये लोग भी मिसाल के तौर पे फ्रेंच अल्जीरियन, ये दो चीजों में तकसीम थे। बैक वक्त उनको दोनों जैसे उन पर बोझ आते थे ना, कि एक तरफ जो है वो लगता था कि उनको कि हम कॉलोनाइजर का हिस्सा है, और दूसरी तरफ ये था कि हम है बहरहाल उस आबादी का हिस्सा जो कॉलोनाइज्ड है। तो ये चीज भी गोया अभी तक जो है हमारे यहाँ आ रही है और चल रही है, और मतलब जैसे उसका ब्लो बैक जो है वो सामने आ रहा है। फिर इसके बाद है न्यू इंपीरियलिज्म। एम्पायर के नाम से एक किताब लिखी थी हार्ट एंड नेगरे, ये भी आप समझ लें खास तरह से इनके अंदर भी मार्क्सिस्ट इंक्लिनेशन है। इसकी जो किताब है एम्पायर, उसमें से एक इक्तिबास है, यानी इसमें बताना क्या मकसूद है कि न्यू इंपीरियलिज्म क्या है, ये मैं इक्तबास पढ़ रहा हूं आपके सामने। द डिक्लाइन इन सॉवरेनिटी ऑफ नेशन स्टेट्स हाउएवर डज नॉट मीन दैट सॉवरेनिटी एज सच हैज डिक्लाइंड, यानी वो तो जाहिर बात है एम्पायर का दौर भी खत्म हो गया, अब कहा जा रहा है कि नेशन स्टेट्स का दौर भी खत्म हो गया। आवर बेसिक हाइपोथेसिस इज दैट सॉवरेनिटी हैज टेकन अ न्यू फॉर्म कंपोज्ड ऑफ अ सीरीज ऑफ नेशनल एंड सुप्रा नेशनल ऑर्गेनिजम्स अंडर अ सिंगल लॉजिक ऑफ रूल। अब ये तो ज्यादा बात कर रहे हैं वो जो हमने पहले कहा ना ग्लोबलिज्म की, ग्लोबलाइजेशन की, कैपिटल के ग्लोबल होने की, कि अब सॉवरेनिटी ने एक नया चोला बदल लिया है, एक नई फॉर्म इख्तियार कर ली। दिस न्यू फॉर्म ऑफ सॉवरेनिटी इज व्हाट वी कॉल एम्पायर। द पैसेज टू एम्पायर एमर्जेस फ्रॉम द ट्वाइलाइट ऑफ मॉडर्न सॉवरेनिटी। इन कंट्रास्ट टू इंपीरियलिज्म एम्पायर एस्टेब्लिशेस नो टेरिटोरियल सेंटर ऑफ पावर। हम आगे जाके देखेंगे कि इंपीरियलिज्म में या एम्पायर में एक तसव्वुर था मेट्रोपोल एंड पेरिफरी, यानी एक मेट्रोपोल है, मेट्रोपोल क्या है वो सकाफत का, तहजीब का, इल्म का, रोशनी का मरकज है, और एक पेरिफरी है जो कि डार्क है, जो जाहिल है, जो उजड़ है, जो गवार है, ठीक है, जो बैकवर्ड है। तो अब मेट्रोपोल की जिम्मेदारी है उस जो है पेरिफरी को इनलाइटन करना। तो अब कह रहे हैं कि ये जो नया एम्पायर है ना, जो अब इस वक्त जो एम्पायर है ये क्या है, ये इट एस्टेब्लिशेस नो टेरिटोरियल सेंटर ऑफ पावर एंड डज नॉट रिलाई ऑन फिक्स बाउंड्रीज और बैरियर्स। इट इज अ डिसेंटर्ड एंड डी टेरिटोरियलाइजिंग अपरेटस ऑफ रूल दैट प्रोग्रेसिवली इनकॉर्पोरेट्स द इंटायर ग्लोबल रियल्म विद इट्स ओपन एक्सपेंडिंग फ्रंटियर्स। तो अब क्या है, डिसेंटर हो गई है और डी टेरिटोरियलाइज हो गई है। ये डिल्यूस एंड गिटारी का एक तस्वुर है राइजोम का,
राइजोम भी क्या है, एक जड़ होती है और वो जड़ दाएं तरफ भी फैलती है, ऊपर नीचे भी फैलती है, तो वो भी इस जो मॉडर्न कैपिटलिज्म है उसके लिए ये सिंबल पेश करता है राइजोम। तो ये भी तकरीबन वही बात कर रहा है, नेगरी और हार्ट भी यही कह रहे हैं कि अब वो एक राइजोम बन गई है। पहले ये था ना कि भाई एक मरकज है और मरकज के इर्द गिर्द जो है पेरीफरी है, अब वो राइजोम की तरह है, उसकी इतनी शाखें हैं कि अब ये पता भी नहीं लग रहा कि वो मरकज कहाँ है उसका मरकज। और अब जाहिर बात है कि कैपिटलिज्म का मरकज शायद जापान में ज्यादा है या हांगकांग में ज्यादा है या ताइवान में ज्यादा है या हत्ता कि दुबई में ज्यादा है, यानी शायद अब वो यूरोप में नहीं है, वो उस तरीके से यूरो सेंट्रिक अब नहीं रहा। अच्छा, एम्पायर मैनेजेस हाइब्रिड आइडेंटिटीज, फ्लेक्सिबल हायरार्कीज एंड प्लूरल एक्सचेंजेस थ्रू मॉड्यूलेटिंग नेटवर्क्स ऑफ कमांड। द डिस्टिंक्ट नेशनल कलर्स ऑफ द इंपीरियलिस्ट मैप ऑफ द वर्ल्ड हैव मर्ज्ड एंड ब्लेंडेड इन द इंपीरियल ग्लोबल रेनबो। अब जैसे वो एक तस्वीर ये हो गया है कि एक एक ही चीज है और वो हर जगह पाई जा रही है, अब आप ये नहीं बता सकते कि इसका ओरिजिन कहाँ है, कहाँ से ये शुरू हो रही। ठीक है, अब हम आगे आते हैं कि ये जो एम्पायर का लफ्ज है जिससे इंपीरियलिज्म निकला है, इसका इस कॉन्सेप्ट का जेनेसिस कहाँ से हुआ है, किधर से हुआ है। शुरू में एक मैक्स वेबर का एक जुमला लिखा है जो ये बताता है कि बाज़ औकात डेफिनेशन जो है ना बिल्कुल एंड में जाकर की जाए सारे फिनोमिना को बयान करके तो शायद बेहतर तौर पर सामने आती है। तो वो अच्छा जुमला है उसका, डेफिनेशन कैन बी अटेम्प्टेड इफ एट ऑल ओनली एट द कंक्लूजन ऑफ द स्टडी रादर देन इट्स बिगिनिंग। तो इसीलिए अभी तक अभी हमने इसको बयान नहीं किया था, अभी भी जब हम उसको बयान करेंगे तो हो सकता है वो पूरी तरह वाजे ना हो, जब हम आगे चलेंगे और इसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स हमारे सामने आएंगी तो हो सकता है एंड तक पहुंचते पहुंचते इंपीरियलिज्म या कॉलोनियलिज्म का कोई नक्शा हमारे सामने आ जाए। ठीक है, एक बात तो यह है कि जो भी एम्पायर का या इंपीरियलिज्म का तस्वुर है उसका जो प्रोटोटाइप है या उसका जो आर्कीटाइप है वो रोम से आया है। ठीक है, यानी एम्पायर का जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से आया है, वो आया है रोम से, रोमन एम्पायर, वहां से ही बात आई। और जैसे हमारे यहां भी बहुत से लोगों ने इस पर बात की है, जैसे मतलब सलीम अहमद साहब ने मजमून लिखे, उन्होंने बताया कि भाई जो जदीद मगरिब है इसके जारी बात है, सब लोगों ने जीनियोलॉजी जो बनाई है वो यूनान और रोम की बनाई है ना, तो यूनान अगर जहन है तो ये जो है वो आप समझ लें कि ताकत है, यानी रोम नाम है ताकत का। और आपको पता है कि जो लफ्ज है इंपीरियम, इंपीरियम का जो लफ्ज है जहां से एम्पायर का लफ्ज निकला है उसका मतलब ही पावर है, एब्सोल्यूट पावर। और कॉलोनियलिज्म या वो जो आया कॉलोनास से आया उसका मतलब है सेटलमेंट, ठीक है, या एस्टेब्लिशमेंट। तो गोया अब आप देख लेना कि इंपीरियलिज्म या कॉलोनियलिज्म में एक पहलू है पावर का, सॉवरेनिटी का, और एक पहलू है लैंड का, वो जो जगह है, और एक तीसरा पहलू है यूनिवर्सलिज्म का है, उस पर हम अभी बात करेंगे। ठीक है, फिर कहते हैं कि रोमन्स के यहाँ ये इन्वेंट हुआ है, और कहते हैं कि ये हो भी नहीं बात की है कि जब भी आप बात करेंगे ना तो रोम की तरफ ही खुला निकलेगा इंपीरियलिज्म का, या एम्पायर की जब भी बात होगी तो गोया रोम की तरफ इशारा होगा। और इंपीरियम है, इंपीरियम साइन फाइन एम्पायर विदाउट एंड विद नो बाउंड्स इन स्पेस और टाइम। तो पहला पहला यानी तीन अनासिर हैं एम्पायर के तस्वुर के, तीन बड़े अनासिर हैं। पहला अनसर क्या है, सॉवरेनिटी, ठीक है, एब्सोल्यूट पावर का तस्वुर। तो कहते हैं कि जी लॉफुली कन्फर्ड सॉवरन पावर ऑफ द मजिस्ट्रेट और रूलर, यानी इसमें एक अहम बात क्या है, लॉफुली कन्फर्ड सॉवरन। एक तस्वुर तो ये है ना जो पहले था, हॉब्सियन तस्वुर था कि पहले लोग रले मिले रहते थे और जो ताकतवर होता था सबको दबा देता था, लेकिन उसके बाद फिर एक सॉवरन आया, ठीक है, उस सॉवरन ने आकर चीजों को डिसिप्लिन किया और बाकी सब लोगों ने अपनी विल उसको कन्फर कर दी, उसके हवाले कर दी, ठीक है, और उसको अपना नुमाइंदा बना दिया। तो यहां पर भी क्या है कि लॉफुली कन्फर्ड सॉवरन पावर, और फिर इन द लैंग्वेज ऑफ पब्लिक लॉ द वर्ड denoted the power bestowed by the people on the highest magistrates entrusted with enforcing authority, the consuls, proconsuls, or praetors, proprietors, dictators. यानी ये है कि भाई लोग जिन लोगों के आपने सुपुर्द कर दी sovereignty, हेनरी एट का जो एक्ट था ना इन द स्टेट ऑफ अपील्स 1533 जो बादशाह था कहा कि दिस रियलम ऑफ इंग्लिश इज एन एम्पायर,
यानी इंग्लैंड के बारे में उसने क्या कहा, दिस रियलम ऑफ इंग्लैंड इज एन एम्पायर। इसका मतलब क्या है कि हम इससे ऊपर किसी और अथॉरिटी को नहीं मानते। और यहां खास तौर पे आपको पता है कि यूरोपियन हिस्ट्री में जो एक पावर तकसीम थी ना, दो पावर हाउसेस थे, एक जो था वो एम्पायर थी मिसाल के तौर पे एम्परर था, और एक जो था वो चर्च था, पोप था, और इनके दरमियान खींचातानी चलती रहती थी। तो गोया ये आपको पता है ना कि प्रोटेस्टेंटिज्म के तहत आकर फिर कर लिया और फिर अपना चर्च ऑफ इंग्लैंड भी अलग बना दिया। तो अब वो क्या कह रहा है कि दिस रियलम ऑफ इंग्लैंड इज एन एम्पायर, मतलब क्या है, द किंग ऑफ इंग्लैंड एक्नॉलेज नो सुपीरियर इन हिज रियलम, दैट हिज रूल वॉज सॉवरन और एब्सोल्यूट, एंड दैट देयर कुड बी नो अपील टू अ हायर पावर सच एज द पोप। ठीक है, यानी कोई हायर अथॉरिटी नहीं है जिसकी तरफ आपको जाना है, जिसकी तरफ जो है आपको जो है अपील आपको करनी है। ये जरा कोई नौजवान जरा कुर्सी दे देना, नहीं नहीं आप आइए रखिए जी, आइए बैग उठा लो यार अपना। और फिर आगे होब्स के यहाँ, स्पिनोजा के यहाँ, ग्रोटियस के यहाँ भी ये जो आप समझ लें कि जो एम्पायर का लफ्ज है ना वो क्या है, सिनोनिम सिनोनिम फॉर सॉवरेनिटी है। नंबर एक पहली चीज क्या है इसके अंदर, एम्पायर के लफ्ज में एक सॉवरेनिटी एब्सोल्यूट पावर। दूसरी चीज क्या है, कॉम्प्लेक्स टेरिटरी, यानी एक तो ये है ना कि भाई एक खास खित्ता है जहां पर एक हाकिम है, उसके लिए एम्पायर का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, यानी वो कॉम्प्लेक्स हो, वो मुताद्दिद हो, उसमें कई रेसेस के लोग हों, ठीक है, कई नस्लों के और कई रंगों के, कई कौमियतों के लोग हों। ठीक है, अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इनकॉर्पोरेटिंग पीपल्स ऑफ मेनी डिफरेंट रेसेस एंड एथनिसिटीज, एब्सोल्यूट अथॉरिटी और सॉवरेनिटी एंड रूल ओवर अ कॉम्प्लेक्स टेरिटोरियल पॉलिसी। अब दो चीजें आ गई एम्पायर में, एक तरफ एब्सोल्यूट अथॉरिटी है और सॉवरेनिटी है, दूसरी तरफ क्या है, रूल ओवर अ कॉम्प्लेक्स टेरिटोरियल पॉलिटी। तो अब मतलब क्या है कि मुख्तलिफ लोग है ना, अलग अलग लोग हैं, उन पर आपकी हकूमत है। ये दूसरा पहलू इसका आ गया एम्पायर का। और तीसरा क्या है, यूनिवर्सलिज्म। यूनिवर्सलिज्म सिसरो बहुत मशहूर जो है यूरोपियन थिंकर है, उसके नजदीक तसव्वुर क्या है कि अ सिंगल ज्वाइंट कम्युनिटी ऑफ गॉड्स एंड मेन। यूनिवर्सलिज्म एम्पायर के अंदर एक तसव्वुर ये था कि एक आलमगीरियत, एक आफाकियत, एक कोई पैगाम है हमारे पास जो हमें पैगाम भी सब तक पहुंचाना है। ठीक है, तो जैसे मिसाल के तौर पे इसके लिए एक और इस्तेमाल किया कुछ लोगों ने इस्तेमाल कि यूरोपियनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। यूरोपियनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड कि दुनिया को यूरोप की जैसे आप कहें इमेज पे खल्क करना, ठीक है ना, रिक्रिएट करना, जैसे बाइबल में है ना कि खुदा ने आदम को अपनी सूरत पर खल्क किया। तो अब जैसे एक तसव्वुर था यूरोपियन ताकतों का कि हमें पूरी दुनिया को गोया अपनी सूरत पर रिक्रिएट करना है, ठीक है, दोबारा से हमने इनको पैदा करना है। इस पर हम देखेंगे जो उनका तसव्वुर है प्रोग्रेस का, यूनिवर्सल हिस्ट्री का, ठीक है, और लीनियरिटी का, एक लीनियर हिस्ट्री है और कुछ लोग आगे हैं, कुछ लोग पीछे हैं, कुछ डेवलप्ड हैं, कुछ अंडर डेवलप्ड हैं। इसी वजह से आप देखते हैं कि अब ये जो नई फॉर्म्स की बात की जाती है ना, नियो इंपीरियलिज्म, तो वहां कुछ लोगों ने इस तरह के मतलब मजामीन लिखे हैं ना कि फ्रॉम इंप्रूवमेंट टू डेवलपमेंट। ठीक है, माइकल मेन एक बहुत मशहूर आदमी है, डार्क साइड ऑफ डेमोक्रेसी उसकी किताब है, और एथनिक क्लींजिंग पर उसकी किताब है, जेनोसाइड्स पर उसकी किताब है। तो उसका एक आर्टिकल है, उसका नाम यही है कि इंप्रूवमेंट प्रोग्रेस डेवलपमेंट। ठीक है, पहले क्या था, इंप्रूव करना है, ये लोग अभी पूरे इंसान नहीं है ना, इनको इंसान बनाना है। ठीक है, उसके बाद फिर प्रोग्रेस का तसव्वुर था, वो फिलोसॉफिकल था। डेवलपमेंट क्या है, उसकी कंक्रीट शक्ल है, उसकी बिल्कुल कंक्रीट शक्ल जो है वो अब डेवलपमेंट है। तो अब यानी जो न्यू इंपीरियलिज्म है उसमें एक उसकी अब क्या है, अब दबाव क्या है, पहले दबाव ये था कि आपको पूरा इंसान बनना है और वो हम आपको बनाएंगे। ठीक है, वो जो मिशन सिविलताज है या सिविलाइजेशन मिशन की बात है। और अब क्या है कि आप अंडर डेवलप्ड हैं, जैसे हमारे यहाँ जब खान साहब आए थे ना, इमरान खान साहब, तो पहली दूसरी तकरीर में उन्होंने कुछ स्कैन्स दिखाए थे ना रिटार्डेड ग्रोथ के, कि बच्चे हैं देखें हमारे बच्चे हैं, गांव वाँव के बच्चे हैं, इनकी रिटार्डेड ग्रोथ है। तो अब वेस्ट वाले वो आपको यही बताते हैं कि आप चलें, कुछ थोड़ा बहुत आपकी समझ फहम तो आपके अंदर पैदा हो गई है, लेकिन अभी आप जो है डेवलप नहीं है ना,
अंडर डेवलप्ड हैं, डेवलपिंग है, तो अब डेवलपमेंट के जरिए, जैसे अब हमें आपको ठीक करना है, आपकी मरम्मत करनी है, तो जैसे कहा जाता है ना द थ्री सीज ऑफ कॉलोनियलिज्म, ठीक है, सिविलाइजेशन, क्रिश्चियनिटी, कॉमर्स, ये थ्री सीज कुछ लोग कहते हैं, ठीक है, एक तरफ जो है वो सिविलाइजेशन था, एक तरफ जो है कॉमर्स भी थी, और तीसरा क्या था वो था, या कुछ लोग जो थ्री जीज कहते हैं, ठीक है ना, गॉड, ग्लोरी एंड क्या था, गॉड, ग्लोरी एंड गोल्ड, गॉड, ग्लोरी एंड गोल्ड, ये तीन जीज हैं, ठीक है, तो ये भी एक तसव्वुर जो है पाया जाता है। अब इसके बाद ये तो अभी हमने बात की थी ना कि हाँ ये जो सिविलाइज्ड वर्सेस बारबेरिक, इसका तसव्वुर था, ये पाया गया, ये ग्रीक्स में पाया जाता था, ठीक है, तो ये तसव्वुर था कि रोम वुड ब्रिंग पीस, ऑर्डर एंड जस्टिस टू मैनकाइंड, इट्स एम्पायर वुड एनकंपास द ऑर्बिटरम द एंटायर नोन वर्ल्ड, यानी जो भी मालूम दुनिया है ना, सबको हम चाहते हैं कि हम ठीक करें, सबको चाहते हैं कि हम इल्म दें, सबको चाहते हैं कि हम रोशनी दें, ठीक है। मैंने शायद पिछली मतलब अभी अल्लामा इकबाल का वो शेर पढ़ा था ना कि जो पैगंबर के बारे में उन्होंने कहा है ना कि अर्ज़ शबिस्ताने जो है हिरा खलवत गजीद, कौम व आइनो हकूमत आफरीद, ठीक है, कि शबिस्तान हिरा में गए और एक कौम, एक आइन और हकूमत लेकर आए, तो मॉडर्न यूरोप ने यही कहा कि भाई आप लोग जो है ना, आपके पास आइन है ना, आपके पास कोई हकूमत है ना, आपके पास कोई और जो है वो समझ फहम की चीजें, हम आपको ठीक करेंगे, हम आपको बताएंगे। और हमेशा मुझे जब भी ये गुफ्तगू होती है ना तो वो अनवर मसूद साहब की एक नज़म है ना वो सुनाते भी हैं और खुद कहते हैं कि भाई वो नज़म, उसको तरह तरह से लोगों ने उसमें इश्तहारे ढूंढे हैं ना, बनैन जो उनकी लफ्ज है जो है ना नज़म है कि बनैन लैन जान दे, बनैन लेके आन दे, पांदे हो तो पैंदी नहीं, लांदे हो तो लेंदी नहीं, ले जाए तो दूजी वारी पान जोगी रहती नहीं, तो फिर खास जगह पर जाकर बनैन मैं देंगा, बनैन मैं देंगा, तो ये जो तसव्वुर है ना कि भाई इल्म मैं दूंगा, तहजीब मैं सिखाऊंगा, रोशनी मेरे पास है, तो बिल्कुल इसी तरीके से यानी यूरोप ने ये कहा अफ्रीका और एशिया और मिडिल ईस्ट के लोगों को कि भाई हम आपके साथ ये मामला करेंगे, ठीक है। तो और पहले जैसे पैक्स रोमाना था, और फिर कॉन्स्टेंटाइन के बाद क्या हो गया कि क्रिश्चियनाइजेशन ऑफ द एम्पायर, यानी उसमें एक और चीज ऐड हो गई ना कि अब, यानी इसको मैंने लिखा है कि रिडेम्पशन एडेड, भाई पहले तो तसव्वुर ये था कि भाई तहजीब सिखानी है, इल्म सिखाना है, रोशनी सिखानी है, अब ये है कि नहीं, इनको जैसे नजात भी दिलानी है, ठीक है, और नजात के लिए जाहिर बात है कि उनका तसव्वुर रिडेम्पशन का जो है वो पाया जाता है, तो अब ये चीज गोया उसमें ऐड हो गई। इसमें अब जो है वो एक हैंडआउट था, वो वाला दे दीजिए, व्हाइट मैन्स बर्डन वाली जो नज़म है, तो ये रुडयार्ड किपलिंग की जो नज़म है बहुत मशहूर, द व्हाइट मैन्स बर्डन, ये मैं पूरी नहीं पढ़ूंगा, इसके चंद हिस्से में पढ़ूंगा, बाकी आप ले जाइएगा साथ अपने, टेक अप द व्हाइट मैन्स बर्डन, Send forth the best ye breed. Go bind your sons to exile, to serve your captives' need, to wait in heavy harness on fluttered folk and wild, your new-caught sullen peoples. अब अगला जुमला सुनिए, half devil and half child, half devil and half child. ये सबसे अहम लाइन है इस पूरी नज़म की, लंबी नज़म है कि भाई ये जिन लोग, जो लोग हैं जिनके साथ हमारा मामला है या जिनको हमने सुधारना है, तो ये कौन है, ये एक तो हाफ डेविल है, यानी बस ये इनके अंदर इंसानियत ही नहीं है, बहीमियत, शैतनत है, और दूसरी बात ये है कि ये बच्चे हैं, यानी छोटे बच्चे हैं, और हमें जाहिर बात है बड़ों को जैसे ये काम करना है। और हम जब मॉडर्निटी पे बात करेंगे कि उसका क्या ताल्लुक है कॉलोनियलिज्म से, तो वहां ये बात होगी ना कि कमिंग टू एज का तसव्वुर है कि यूरोप के लोग वो बालिग हो गए, ठीक है, वो समझदार हो गए, तो अब उनको ये जो समझदारी है ये दूसरों को सिखानी है, तो इसी को जो कहा जाता है ना तहजीब आमोजी, जो सिविलाइजिंग मिशन है उसका अच्छा तर्जुमा है तहजीब आमोजी, कि भाई तहजीब जो है अब आपको सिखाई जाएगी। अच्छा, जगह जगह बार बार ये बात है, टेक अप द वाइट मैन्स बर्डन, ये जैसे बार बार आ रही है, इसके मुकाबले में ये मैं पूरी पढ़ूंगा क्योंकि ये बहुत मजेदार है, अर्नेस्ट क्रॉसबी,
ये उसी दौर का आदमी है, ये भी 1899 वगैरह में कहीं पे ना, उसके आसपास ही, जब ये लिखी गई है उसके आसपास इसके जवाब में एक पैरोडी लिखी गई है इसकी, द रियल वाइट मैंस बर्डन। ये बहुत दिलचस्प है। टेक अप द वाइट मैंस बर्डन, सेंड फोर्थ योर स्टर्डी सन्स एंड लोड देम डाउन विद विस्की एंड टेस्टमेंट्स एंड गन्स, थ्रो इन अ फ्यू डिजीजेस टू स्प्रेड इन ट्रॉपिक क्लाइम्स। ये भी एक बड़ा मौजू है कि किस तरीके से फेमिन लाने का सबब ये कोलोनियल पावर्स बनी, यानी वो गए मुख्तलिफ इलाकों में, वो जरासीम लेकर गए और वहां लाखों लोगों को यह खत्म किया। तो कहा कि थ्रो इन अ फ्यू डिजीजेस टू स्प्रेड इन ट्रॉपिक क्लाइम्स फॉर देयर द हेल्दी निगर्स आर क्वाइट बिहाइंड द टाइम्स, बिहाइंड द टाइम्स, वो तसव्वुर कि भाई ये तो बहुत पीछे है जी। एंड डोंट फॉरगेट द फैक्ट्रीज ऑन दोज बेनाइटेड शोर्स, दे हैव नो चीयरफुल आयरन मिल्स नॉट ए के डिपार्टमेंट स्टोर, दे नेवर वर्क 12 आवर्स अ डे एंड लिव इन अ स्ट्रेंज कॉन्टेंट। अब देखे ना कि भाई ये बात के ये इतनी मेहनत, ये काम क्यों नहीं कर रहा है, ये 12 घंटे की जॉब क्यों नहीं करते, ठीक है। वो जिसको मिशेल फोको कहता है ना कि भाई उन्होंने तो ये कह दिया ना कि इनसेनिटी का मतलब क्या, एबसेंस ऑफ वर्क, जो आदमी काम नहीं करता वो जो है बावला है, वो पगला है। तो ये बात कि काम और जो है फाइनेंशियल एक्टिविटी को बजाय खुद बहुत मैग्निफाई करना, तो एंड लिव इन स्ट्रेज कॉन्टेंट ऑल दो दे नेवर हैव टू पे अ सिंगल सेंट ऑफ रेंट, यानी जारी बात है ये सारा किराए का तस्वुर, ये सारा पे का तस्वुर, ये हम देखेंगे सारा तस्वुर अनएम्प्लॉयमेंट का, 19वीं सदी के एंड तक अनएम्प्लॉयमेंट का कोई मतलब ही नहीं था। ये तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद अनएम्प्लॉयमेंट का किस्सा शुरू हुआ, हर आदमी एम्प्लॉयड होता था, हर आदमी जो है वो अपने अपने जो है जो भी उसके एनवायरमेंट थी उसमें वो काम किया करता था। टेक अप द वाइट मैंस बर्डन एंड टीच द फिलीपींस व्हाट इंटरेस्ट एंड टैक्सेस आर एंड व्हाट अ मॉर्गेज मींस, गिव देम इलेक्ट्रोक्यूशन चेयर्स, यानी वो जो होती है जिसमें बिजली के झटके दे के मारा जाता था लोगों को, ताजीब दी जाती थी, कहा कि ये उनको आप दें। एंड प्रिजन्स टू गैलोर, अब वही मैंने पिछले मतलब भी अर्ज किया था कि ये जो है ना पागलखाने होते थे, ना जो है वो जेलें होती थी, ठीक है, ना हॉस्पिटल होते थे, ना मारूफ मानों में स्कूल होते थे, तो ये सब कुछ जो है उन्होंने दिया। एंड प्रिजन टू गैलोर एंड इफ दे सीम इंक्लाइन टू किक देन स्पिल देयर हिडन गोर एंड नीड आर लेबर क्वेश्चन टू एंड पॉलिटिक्स एंड फ्रॉड, We have made a pretty mess at home. Let's make a mess abroad. मतलब ये है कि हमने जो अपने आप बर्बाद किया है ना, तो अब ये जो है ना, ये जो मैस है, अब दूसरे क्यों महरूम रहे हैं उससे। अब देखे ना ये तंज क्या है, असल में तो ये हो रहा है ना, लेकिन अभी तक हम इसको हम मानने को तैयार नहीं। एंड लेट अस एवर हम्बली प्रे द लॉर्ड ऑफ होस्ट मे डाइन टू स्टिल आर फीबल मेमोरीज, लेस्ट वी फॉरगेट द माइन, टेक अप द वाइट मैंस बर्डन टू यू हु दस सक्सीड In civilizing savage hordes, they owe a debt indeed, concessions, pensions, salaries, and privilege and right. With outstretched hands you raise to bless, grab everything in sight. Take up the white man's burden. And if you write in verse, flatter your nation's vices, and strive to make them worse, then learn that if with pious words you ornament each phrase, in a world of canting hypocrites, This kind of business pays. तो बहुत मतलब खूबसूरत सटायर है उस सारे मिशन पर जो किया जा रहा था। इसके बाद यहाँ पे एक जूल्स फेरी, ये जो दो मरतबा जो है फ्रांस का वजीर आजम रहा है, उसकी जो है वो एक तकरीर का एक हिस्सा इक्तबास है जो यहाँ नकल हुआ है। ये भी मैं चाहता हूँ कि ये मैं पढ़ दूँ, क्योंकि इसमें जो मोटिव सामने आएंगे वो इस कोर्स के दौरान हम आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके उन पर हम बात करेंगे। द पॉलिसी ऑफ कॉलोनियल एक्सपेंशन इज अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम दैट कैन बी कनेक्टेड टू 3 सेट्स ऑफ आइडियाज, इकोनॉमिक आइडियाज, द मोस्ट फार रीचिंग आइडियाज ऑफ सिविलाइजेशन एंड आइडियाज ऑफ अ पोलिटिकल एंड पेट्रियोटिक सॉर्ट। In the area of economics, I am placing before you, with the support of some statistics, the considerations that justify the policy of colonial expansion as seen from the perspective of a need felt more and more urgent by the industrialized population of Europe and especially the people of our rich and hard working country of France. The need for outlets for exports. Ab ye baat ki bhai industrial revolution ke sath kya taluk hai colonization ka, ki aapko एक तो रॉ मटेरियल चाहिए
और उसके बाद क्या है कि फिर जो वहां पे जो प्रोडक्ट्स बने उनके लिए मार्केट चाहिए आपको, ठीक है, तब वो उसको बयान कर रहे हैं। तो कहते हैं कि जी, इज दिस अ फैंटेसी, इज दिस अ कंसर्न दैट कैन वेट फॉर द फ्यूचर, और इज दिस नॉट अ प्रेसिंग नीड, वन मे से अ क्राइंग नीड ऑफ आर इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन। आई मेयरली एक्सप्रेस इन अ जनरल वे वॉट ईच ऑफ यू कैन सी फॉर हिमसेल्फ इन द वेरियस पार्ट ऑफ फ्रांस। येस, वट आर मेजर इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल एटसेट्रा, इज रिवोकेबली स्टीयर्ड बाय द ट्रीटीज ऑफ 1860 इन टू एक्सपोर्ट्स। येस, मोर एंड मोर आर आउटलेट्स। वाई? बिकॉज नेक्स्ट डोर जर्मनी इज सेटिंग अप ट्रेड बैरियर्स, बिकॉज अक्रॉस द ओशन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैव बिकम प्रोटेक्शनिस्ट एंड एक्सट्रीम प्रोटेक्शनिस्ट एट दैट। अब आपको पता है ना, एक पूरा तसव्वुर है, इस पर हम बात करेंगे, द स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका, एक कॉन्फ्रेंस हुई बर्लिन में और वहां पे सारे यूरोपियन ताकतें जमा हुई और उन्होंने बंदर बांट की, बकायदा बंदर बांट की, और खेचतान हुई जैसे कि भाई ये मुल्क तुम ले लो, ये मुल्क मैं ले लूं। और उस यानी ये जो ये हो रही है, आपको पता है कि फ्रांस की बेन कॉलोनी जो थी वो अफ्रीका में थी, नॉर्थ अफ्रीका में। तो ये उसी का कॉन्टेक्स्ट बता रहा है कि अब हमें ये क्यों जरूरत है हमें इस बात की कि ये मसला होता है, जर्मनी ये कर रहा है, अमेरिका ये कर रहा है। तो कहते हैं कि जी, बिकॉज नॉट ओनली आर दीज ग्रेट मार्केट श्रिंकिंग, बिकमिंग मोर एंड मोर डिफिकल्ट टू एक्सेस, बट दीज ग्रेट स्टेट्स आर बिगिनिंग टू पोर इन टू आर ओन मार्केट प्रोडक्ट नॉट सीन देयर बिफोर। दिस इज ट्रू नॉट ओनली फॉर आर एग्रीकल्चर विच हैज बीन सो सोरली ट्राइड एंड फॉर विच कंपिटिशन इज नो लॉन्गर लिमिटेड टू द सर्कल ऑफ लार्ज यूरोपियन स्टेट्स। टूडे एज यू नो कंपिटिशन, द लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, द इफेक्ट ऑफ स्पेकुलेशन ऑल रेडिएट इन अ सर्कल दैट रीच टू द एंड ऑफ द अर्थ। दैट इज अ ग्रेट कॉम्प्लिकेशन, अ ग्रेट इकोनॉमिक डिफिकल्टी, एन एक्सट्रीमली सीरियस प्रॉब्लम। इट इज सो सीरियस जेंटलमैन, सो एक्यूट दैट द लीस्ट इन्फॉर्म्ड पर्सन मस्ट ऑलरेडी ग्रिम्स फॉर सी एंड टेक प्रिकॉशंस अगेंस्ट द टाइम वेन द ग्रेट साउथ अमेरिकन मार्केट दैट हैज इन अ मैनर ऑफ स्पीकिंग belong to us forever will be disputed and perhaps taken away from us by North American products. Nothing is more serious. There can be no graver social problem and the matters are linked intimately to colonial policy. Gentlemen, we must speak more loudly and more honestly. We must say openly that indeed the higher races have a right over the lower races. ये जुमला बहुत है, यानी जो रेसिज्म का तसव्वुर है ना कॉलोनियलिज्म के साथ, कि भाई ये हमारा एक हक है, हम एक बर्तर इंसान हैं। तो कहते हैं कि जी, इंडीड द हायर रेसिस हैव अ राइट ओवर द लोअर रेसिस। आई रिपीट, द सुपीरियर रेसिस हैव अ राइट बिकॉज दे हैव अ ड्यूटी, दे हैव द ड्यूटी टू सिविलाइज द इंफीरियर रेसिस, ठीक है। अब देखिए, बिल्कुल यानी साफ, यानी कोई इसमें छुपाने की बात नहीं, कोई शर्म की बात नहीं है, बिल्कुल साफ बता रहे हैं ना कि भाई हमारी एक जिम्मेदारी है बाकी इंसानियत को लेके हमें ये काम करना। इन द हिस्ट्री ऑफ अर्लियर सेंचुरीज दीज ड्यूटीज जेंटलमैन हैव ऑफन बीन मिस अंडरस्टूड एंड सर्टनली व्हेन द स्पेनिश सोल्जर्स एंड एक्सप्लोरर्स इंट्रोड्यूस स्लेवरी इनटू सेंट्रल अमेरिका दे डिड नॉट फुलफिल देयर ड्यूटी एज मैन ऑफ अ हायर रेस। बट इन आवर टाइम आई मेंटेन दैट यूरोपियन यूनियंस एक्विट देमसेल्फ विद जेनरोसिटी with grandeur and with sincerity of this superior civilizing duty. I say that French colonial policy, the policy of colonial expansion, the policy that has taken us under the empire, aur aage bata rahe hain ki the second empire of Napoleon to Saigon to Indochina that has led us to Tunisia to Madagascar. I say that this policy of colonial expansion was inspired by the fact that a navy such as ours cannot do without safe harbors. Ab ek aur motive aa raha hai कि आपने एक नेवी बनाई है और उसके बाद फिर आपको जहाज है, उन्होंने ट्रेवल करना है, अब उनको रिफ्यूल करना है, यानी एक खास मुद्दत तक वो चलेंगे, उसके बाद उनका ईंधन खत्म हो जाएगा। तो अब रिफ्यूल करने के लिए हमें हार्बर्स चाहिए। आप देखें ना किस किस तरह के मोटिव हैं, यानी मुल्कों पर कब्जा आपको क्यों करना है, ताकि आपको बंदरगाहें मैसर आ सकें और आपके तिजारती जो 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 है समुद्री जहाज हैं वो रिफ्यूल हो सकें, ठीक है। तो कहते हैं कि जी, हमें क्या करना है कि सेफ हार्बर डिफेंसिस सप्लाई सेंटर्स ऑन द हाई सीज, आर यू अनअवेयर ऑफ दिस, लुक एट अ मैप ऑफ द वर्ल्ड। अब जेंटलमैन, दीज आर कंसिडरेशन दैट मेरिट द फुल अटेंशन ऑफ पेट्रियॉट्स।
द कंडीशंस ऑफ नेवल वॉरफेयर हैव ग्रेटली चेंज्ड एट प्रेजेंट एज यू नो अ वॉरशिप हाउएवर परफेक्ट इज डिजाइन कैन नॉट कैरी मोर देन 2 वीक्स सप्लाई ऑफ कोल. वो जो मैंने बात की है ना कि भाई सप्लाई नहीं हो सकती. एंड अ वेसल विदाउट कोल इज अ रेक ऑन द हाई सीज अबैंडन्ड टू द फर्स्ट ऑक्युपायर. हेंस वी नीड टू हैव प्लेसेस ऑफ सप्लाई शेल्टर्स पोर्ट्स ऑफ डिफेंस एंड प्रोविजनिंग. यानी अभी जो जो आपको पता है ना जो चाइना की जो सारी पॉलिसी है और जो सारे मामलात हैं तो कभी आप वन रोड वन बेल्ट का जो सारा किस्सा है ये वही तारीख दोहराई जा रही है ना. दोबारा से वही चीजें हो रही हैं कि भाई हमें पूरी दुनिया में अपने प्रोडक्ट्स को बेचना है उनको लेके जाना है उसके लिए हमें सेफ पैकेज चाहिए. और अब तो इस पर भी बहुत गुफ्तगू हो रही है. हम यहाँ बात करेंगे कि दोबारा से रिकॉलोनाइजिंग अफ्रीका का अमल हो रहा है और वो चाइना कर रहा है और वो चाइना कर रहा है जैसे इकोनॉमिक हेजेमनी के जरिए. और कई ममालिक में उनकी जैसे प्लेज करते हैं ना जैसे हमारा भी पता लगा था कि वजीर आजम जो है या मोटरवे प्लेज हो गई है या कुछ हो गया है तो वहां बकायदा कई नहरें कई डैम प्लेज्ड हैं और जाहिर बात है कि वो कर्जा दे नहीं सकते उस पर चाइना ने कब्जा भी कर लिया. तो जैसे अभी एक नया एक तरीका है ना कि भाई आप जा कर्जे देते हैं उसके अगेंस्ट जो है वो चीजों को प्लेज करते हैं और उसके बाद फिर उस पर कब्जा कर लेते हैं जब उसको पे बैक नहीं कर पाते. तो कहते हैं कि जी ये हमें करना है तो हमें इस सब की जरूरत है. एंड दैट इज वाई वी नीड ट्यूनिजिया. यानी ट्यूनिस एक मुल्क है ना वो मुल्क हमें चाहिए. किस लिए चाहिए? ताकि हम जो है वो यहाँ पे अपने जहाज हमारे रिफ्यूल हो सके हमें रस्ते मिल सके. दैट इज वाई वी नीड सेगोन एंड इंडो चाइना एंड दैट इज वाई वी नीड मेडगास्कर एंड वाई शैल नेवर लीव देम Gentlemen, in Europe such as it is today, in this competition of the many rivals we see rising up around us, some by military or naval improvements, other by the prodigious development of a constantly growing population in a Europe or rather in a universe thus constituted, a policy of great withdrawal or abstention is simply the high road to decadence. Ab ye guftugu ho rahi hai na ki bhai aap kya wapis aaye colonies se ki colonies ko badhaye. तो कहते हैं अगर आप पीछे हटेंगे और कब्जे नहीं करेंगे तो इससे तो बर्बादी हो जाएगी डेकेडेंस होगा. इन आर टाइम नेशंस आर ग्रेट ओनली थ्रू द एक्टिविटी दे डिप्लॉय. इट इज नॉट बाय स्प्रेडिंग द पीसेबल लाइट ऑफ देयर इंस्टीट्यूशंस दैट दे आर ग्रेट इन द प्रेजेंट डे. यानी मतलब ये है कि भाई आपको एक्टिव होना है आपको कब्जे करने हैं. स्प्रेडिंग लाइट विदाउट एक्टिंग विदाउट टेकिंग पार्ट इन द अफेयर ऑफ द वर्ल्ड. यानी आप असल में तो रोशनी फैलानी है और रोशनी फैलाने के लिए आपको ये सब काम करने पड़ेंगे. कीपिंग आउट ऑफ ऑल यूरोपियन अलायंसेज एंड सीइंग एज अ ट्रैप एंड एडवेंचर ऑल एक्सपेंशन इनटू अफ्रीका और द ओरिएंट ऑफ अ ग्रेट नेशन टू लिव दिस वे. बिलीव मी इट इज टू एब्डिकेट एंड इन लेस टाइम देन यू मे थिंक टू सिंक फ्रॉम द फर्स्ट रैंक टू द थर्ड एंड फोर्थ. अब ये जैसे एक फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर जो है वो बता रहा है और इसमें मतलब काफी सारे मोटिव उसने बताए जो इस कोर्स के दौरान हम आगे जाके इंशाल्लाह देखेंगे. अब इसके बाद जो है वो मॉडर्न कंसेप्शन की बात हुई थी और ये 19th सेंचुरी सेकेंड हाफ में ये वोकेबलरी आनी शुरू हुई और कॉलोनियलिज्म जो है वो तो 1950s और 60s के दरमियान आई. रिलेशनशिप फॉर्मल और इनफॉर्मल इन विच वन स्टेट कंट्रोल्स द इफेक्टिव पॉलिटिकल सॉवरेनिटी ऑफ अनदर पॉलिटिकल सोसाइटी. इंपीरियलिज्म इज सिंपली द प्रोसेस ऑफ पॉलिसी ऑफ एस्टेब्लिशिंग एन एम्पायर. ये पॉलिसी है ये प्रोसेस है और कॉलोनियलिज्म क्या है उसकी एक्चुअल शक्ल है. ये मैंने इसके आगे जाके ना एक एडवर्ड सईद का एक जुमला नकल किया है आखिर में वो पिछली मतलब भी लिखा था दोबारा पढ़ लें. इंपीरियलिज्म मीन्स द प्रैक्टिस द थ्योरी एंड द एटीट्यूड्स ऑफ अ डोमिनेटिंग मेट्रोपोलिटन सेंटर रूलिंग अ डिस्टेंट टेरिटरी. वही मेट्रोपोल एंड पेरिफरी. Colonialism, which is almost always a consequence of imperialism, is the implanting of settlements on distant territory. अच्छा जी इसके बाद ये कोई बात किसी ने करनी है कोई सवाल करना है तो कर लें. अब वो लंबे लंबे इक्तबास पढ़ने में मैं भूल ही जाता हूं कि आप लोगों से कुछ कह रहे. हाँ जी देखिए वो तो अब जब टाइप्स की बात करते हैं ना इंपीरियलिज्म की तो एक शक्ल उसकी है वो कॉलोनीज फॉर्मेशन है.
एक है जिसको प्रोटेक्टोरेट कहते हैं, प्रोटेक्टोरेट कि भाई हुकूमत राज, मिस्र की बहुत मिसाल है ना हमारे, प्रोटेक्टोरेट यानी वो ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट था कि भाई वहाँ के अपने खदीव वगैरह पाशा वहाँ पे हाकिम थे, लेकिन गोया ब्रिटिश ने उनको जो है प्रोटेक्ट किया हुआ था। जैसे आप समझ लें कि सऊदी अरब भी इस वक्त प्रोटेक्टोरेट है अमेरिका का, ठीक है, कतर भी प्रोटेक्टोरेट है अमेरिका का, ठीक है, अड्डे हैं वहाँ पे। कि जाहिर बात है जब आपको पता है कि वहाँ पे हमला किया था कुवैत पे, तो उस वक्त किसके पास गए थे भाई ने, अमेरिका के पास गए थे, अमेरिका आ गया है। और एक तरह से गोया यानी वो एक और जो होता है उसको कहा जाता है स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस, ये तीसरी शक्ल है। तो स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस अपने जो है वो बढ़ाए जाते हैं, उनको किया जाता है, और उसकी उसकी कई शक्लें हैं, यानी वो उस पर हम बात करेंगे। जैसे पहले हार्ड पावर होती थी, तो एक सॉफ्ट पावर है, ठीक है, सॉफ्ट पावर के जरिए, कल्चर के जरिए, इदारों के जरिए, ठीक है, ये काम जो है वो किया जाता है। और चौथा जो है वो इकोनॉमिक हेजेमनी है, जो इस लिहाज से इस वक्त हम ज़ाहरी बात है कि ज़ेरदस्त ही है ना। और अब जो है वो बराह रास्त एम्पायर्स नहीं आते, उनकी जैसे प्रॉक्सी इदारे आते हैं सामने। तो वर्ल्ड बैंक, IMF क्या है, ये प्रॉक्सी इदारे हैं ना इन पावर्स के, कि भाई ताकि इससे पता लगता है कि जैसे ये नहीं, इसके पीछे तो पावर को नहीं, जैसे UNO है, तो UNO हो, IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, ये सब अमेरिका की जेब में है ना सब लोग। लेकिन बादल नजर ऐसे आता है कि जैसे अमेरिका तो कहीं नहीं है, ये तो बड़े इंडिपेंडेंट इदारे हैं, और कहां कहीं पर कोई इंडियन उसका सरबराह बन गया, कभी फलाना बन गया, फलाना बन गया। तो ये एक ऐसी उन्होंने तस्वीर सामने रखी हुई है, लेकिन जाहिर बात है कि वो हेजेमनी तो कायम है, वो सामने नजर आती है। कंट्रोल में उस तरीके से नहीं है, जैसे मिसाल के तौर पे अभी आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में तो मलका भी वही चल रही है ना अभी तक। तो हमारे यहाँ तो शुक्र है कि मलका मलका मुअज्जमा, और अब तो खैर मलका बड़ी मुश्किल से फौत हुई, तो वो चार्ल्स आ गए, तो उनके तो बकायदा अभी तक एम्परर भी वही है, और हमारे यहाँ ये नहीं है। तो लेकिन हमारे यहाँ ज्यादा अब इन्फ्लुएंस जो है ना लियाकत अली खान साहब वगैरह के बाद, चूंकि डायनेमिक्स बदल गए ना, कि ब्रिटिश एम्पायर तो आहिस्ता आहिस्ता विदर अवे हो गया, और अब जाहिर बात है कि अमेरिकन एम्पायर है। अब जो गुफ्तगू होती है वो अमेरिकन एम्पायर की गुफ्तगु होती है, जी वो तो हम है कॉमनवेल्थ, उसमें ऑर्गेनाइजेशन का हम हिस्सा है, वो तो हम है ना। वो तो देखिए जो भी प्रीवियस कॉलोनीज थी सारी, वो 50 से ऊपर कुछ ममालिक हैं, वो उसका हिस्सा है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि अमलन अब जो है ना ये, यानी ब्रिटिश जो भी प्राइम मिनिस्टर होता है वो बुनियादी तौर पर अमेरिकन प्रेजिडेंट की एक स्टपनी टाइप चीज होती है, यानी वो अब ज़ेरदस्त है। यानी आप देखें ना, वो एक पेयर होता था बुश टोनी ब्लेयर, यानी ये जो भी होता है ना कि असल में अब जो कमांडिंग पोजीशन है ना, यानी जैसे हर सिविलाइजेशन की एक आप समझ लें कि वैनगार्ड नेशन होती है। तो एक जमाने में जैसे वो ग्रीस थी, फिर रोम बन गई, ठीक है, फिर उसके बाद वो यूरोप बन गया, ठीक है, उसके बाद फिर वो ग्रेट ब्रिटेन बन गई, और अब जो है वो अमेरिका है। इस वक्त जो आप समझ लें कि वेस्टर्न हेजेमनी की नुमाइंदा जो स्टेट स्टेट है वो ग्रेट ब्रिटेन नहीं है, अब वो अमेरिका है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स। अच्छा जी जनाब, जी जी कौन? देखें कि मैं यह कर रहा हूं कि कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म में कुछ लोग कहते हैं कि ये इंटरचेंजेबल हैं, ये एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल हो जाते हैं। और इंपीरियलिज्म बुनियादी तौर पर एक आइडिया है, एक पॉलिसी है, और कॉलोनियलिज्म उसकी एक ठोस शक्ल है, ठीक है, ये भी कहते हैं। तो इस वजह से बहुत से लोग कहते हैं कि इनमें आपस में कोई इम्तियाज नहीं है, कोई फर्क नहीं है। ये आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, ये अच्छा सवाल है। इस पर हम अलग से तफसील से गुफ्तगू करेंगे कि भाई इम्पीरियलिज्म या इस्लामिक इम्पीरियलिज्म या अरब इम्पीरियलिज्म जिसको कहा जाता है, ये जो आप इन जितने भी वेस्टर्न थिंकर्स हैं ना, वो ये कहते हैं कि अब जो इसको इम्पीरियलिज्म कहते हैं या कॉलोनियलिज्म कहते हैं, ये 18th सेंचुरी का फिनोमिना है,
या शुरू हुआ था 16th सेंचुरी से, स्पेन और पोर्चुगीज सबसे पहले उन्होंने कॉलोनाइज किया, तो वो भी इससे पहले की फुतुहात को उसमें शामिल नहीं करते। ये तो हमारे यहाँ की जो अपोलोजेटिक्स है ना, मुस्लिम अपोलोजेटिक्स, वो बेचारे बिला वजह में शर्मिंदा होकर बातें करते हैं, और फर्क बहुत ज्यादा है, वो हम बात करेंगे। यानी बरसगीर में जो लोग आए बाहर से, उन्होंने उनका क्या रवैया था, और अंग्रेज जब आए तो उनका क्या रवैया था। ठीक है, हाँ नहीं किया जाता ना, मतलब ये है कि इसके अंदर कुछ चीजें शामिल हैं कि मैंने कहा ना कि एक सॉवरेनिटी का तस्वीर है, वो तो महदूद मानों में हर जगह कोई भी पॉलिटी होगी ना, कोई भी आपका कहें कि जी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होगा उसमें सॉवरेनिटी होगी, लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स टेरिटरी का तस्वीर है ना, कॉम्प्लेक्स आबादी का तस्वीर है, और आउट ग्रो करना, और फिर जैसे हम देखेंगे कि इंपीरियलिज्म की एक शक्लें कहा जाता है, एक लैंड इंपीरियलिज्म है और एक ओवरसीज इंपीरियलिज्म है। लैंड इंपीरियलिज्म वो होता है जो साथ साथ बढ़ता है, जैसे रूस के साथ हुआ ना, वो बढ़ता गया साथ साथ, ये चाइना में हुआ, और एक वो जो ओवरसीज होता है जो यहाँ पे हुआ, ठीक है, जो मानी ग्रेट ब्रिटेन ने किया, जो फ्रांस ने किया, वो ओवरसीज एक्सपेंशन उसके अंदर होती है। ठीक है, मैंने यस किया था कि इंपीरियलिज्म में या अंपायर के कॉन्सेप्ट में एक तस्वीर ये भी होता है कि हम जो लोग हैं जो ये अमल कर रहे हैं, उनके पास कुछ अकदार हैं, कुछ अफकार हैं, ठीक है, कुछ वैल्यूज हैं जिनको उसे पूरी दुनिया में गालिब करना है, पूरी दुनिया तक पहुंचाना है, यानी उसके पीछे एक ये कॉन्सेप्ट भी होता है। ठीक है, अब जी सही है, जी आयत नहीं है। देखिए बात यह है ना कि जैसे सिविलाइजेशन का पूरा कॉन्सेप्ट है तहजीब, जब भी तहजीब की बात होगी तो चूंकि ये हमारा तस्वुर नहीं है, हमारा तस्वुर तहजीब का मुख्तलिफ था, उन्होंने सिविलाइजेशन एक लफ्ज दिया और फिर उसको किया, तो जब हम सिविलाइजेशन के कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे तो ला महाला हम पहले ये बताएंगे कि वो इसको कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि पिछली मरतबा हमने कुछ बातें की, मतलब गजाली का एक इकतबास था, इब्ने खलदून का था, ठीक है, उनका था, अकबर का था, तो वो हम बात करेंगे ना, लेकिन एज सच जैसे कहा जाता है कि पहले एक मरतबा ये देख लें कि वो चीज क्या है, स्टैंडर्ड तौर पे वो खुद क्या कहते हैं कि अंपायर किसे कहते हैं। ठीक है, अभी हम थ्योरेटिकली देख रहे हैं इसको, फिर जब हम ये देखेंगे कि हमारे यहाँ जब आए हैं उसको कैसे लिया गया, कैसे परसीव किया गया, उस पर एक बात होगी, लेकिन इसमें हम माजूर हैं, इसमें हम माजूर हैं, चूंकि वो कंस्ट्रक्ट ही उन्हीं का है ना, तो हमारे पास उसके लिए कोई इस्तिलाह नहीं है। और हमारे यहाँ गलती यही होती है कि हमारे यहाँ की जो फुतुहात थी, अरब फुतुहात को उन्होंने इंपीरियलिज्म कह दिया, अल्लामा इकबाल ने भी ये लफ्ज इस्तेमाल कर दिया अरब इंपीरियलिज्म, तो अब ये प्रॉब्लम तो ये हो रही है ना कि हम गोया उनकी इस्तिलाहात को अपनी तारीख और रिवायत के साथ जोड़ के एक जैसे एक अमलगम बना रहे हैं, तो ये तभी हम इससे बचेंगे तब हम उस तसव्वुर को समझें। पहले ये समझे ना कि देखिए ये इंपीरियलिज्म है, और मुसलमानों ने जो फतुहात की, सहाबा ने की, बाद में मुगल जो आए वो कैसे इससे मुख्तलिफ है, और उस पर ये वाली बहुत सी इतलाकात नहीं किए जा सकते जो एम्पायर के बारे में खुद वेस्ट के लोग कह रहे हैं कि ये एक एम्पायर थे। ठीक है ना, लेकिन बात आपकी ठीक है कि हमें गोया उन्हीं के कंस्ट्रक्ट को इस्तेमाल करना पड़ता है। अब दो तीन बातें इसमें हैं कि एक बात यह है ना कि मॉडर्न कॉन्सेप्शन, हाँ अच्छा जी, मैंने ये अर्ज किया था कि जैसे
एम्पायर का तसव्वुर था कि उसने नेशंस को डिसमेंटल किया, तोड़ा फोड़ा, नई फॉर्मेशन की, मल्टीनेशनल फॉर्मेशंस की या सुपरा नेशनल फॉर्मेशंस की। हम ये बता रहे हैं कि ये एक मुशाबिहत मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन के यहाँ भी हो रही है कि जिस तरह उसने नेशन स्टेट को कमजोर किया था एम्पायर ने, नेशन स्टेट उस तरह नहीं थी लेकिन अपनी अपनी कहें कि राजवाड़े का लफ्ज जो इस्तेमाल किया जाता है उसको जिस तरीके से एम्पायर ने किया है, या स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका वाली बात है, मतलब वो अमल अब ग्लोबलाइजेशन कर रही है नेशन स्टेट्स के साथ। यानी पहले जो लोकल आप समझ लें कलेक्टिविटीज थी पॉलिटिकल, जिस तरीके से उसको डैमेज करके रिफॉर्म या डिफॉर्म किया एम्पायर ने, ठीक है, वैसी ही अब ये हरकत ग्लोबलाइजेशन कर रही है मॉडर्न नेशन स्टेट के साथ। ये बात समझ में आ रही है कि हम ये एनोलॉजीज ड्रॉ कर रहे थे ना कि ग्लोबलाइजेशन में और जो पुराना क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एम्पायर में मुशाबियतें क्या है। ठीक है, बस दो तीन बातें देख लें कि भाई ये जो की एलिमेंट्स क्या हैं जो अभी आया है ना, एक तो वन वे फ्लो ऑफ पावर है, यानी कहां से है, स्टेमिंग फ्रॉम द इंपीरियल स्टेट और मेट्रोपोल। पहली बात ये है कि एक वही जो सॉवरेनिटी का तसव्वुर है और वन वे है, ठीक है, मेट्रोपोल से, और अ कंसिक्वेंट डिपेंडेंस और सबऑर्डिनेशन ऑफ द पार्ट ऑफ द कॉलोनी और पेरीफरी, वही, ठीक है, मेट्रोपोल एंड पेरीफरी, ये एक ताल्लुक है। अच्छा, फिर उसके बाद आगे ट्रांसनेशनल सोसाइटी है, फिर आगे एम्पायर इज अ लार्ज कंपोजिट मल्टी एथनिक और मल्टी नेशनल पोलिटिकल यूनिट यूजली क्रिएटेड बाय कॉन्सिक्वेंट एंड डिवाइडेड बिटवीन अ डोमिनेंट सेंटर एंड सबऑर्डिनेट समटाइम्स फार डिस्टेंस पेरिफरीज। ये जो ओफ होफ की किताब है ना, अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन, वहां से मैंने ये डेफिनेशन लिखी है। इंपीरियलिज्म क्या है, एक्शन एटीट्यूड विच क्रिएट और अपहोल्ड सच बिग पोलिटिकल यूनिट्स बट ऑल्सो लेस ऑब्वियस एंड डायरेक्ट काइंड ऑफ कंट्रोल और डोमिनेशन बाय वन पीपल और कंट्री और अदर्स। फिर लैंड एंड ओवरसीज एम्पायर मैंने अभी थोड़ी सी मुख्तसर वजाहत की है। लैंड एम्पायर वो है जो कि यानी साथ साथ फैलती हैं। ओवरसीज क्या है, जैसे फ्रांस ने की अफ्रीका में जाके और इंग्लैंड ने की एशिया में और मिडिल ईस्ट में आके, ठीक है, ओवरसीज है वो। फिर कॉलोनियलिज्म कहते हैं कि जी मोस्ट स्पेसिफिक एंड स्ट्रिक्टली पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ रूल बाय वन ग्रुप ओवर अनदर वेयर द फर्स्ट क्लेम्स द राइट अ राइट अगेन यूजुअली एस्टेब्लिश बाय कंक्वेस्ट टू एक्सरसाइज एक्सक्लूसिव सॉवरेनिटी ओवर द सेकेंड एंड टू शेप इट्स डेस्टिनी। यूजुअली दिस पोलिटिकल डोमिनेशन इज लॉन्ग डिस्टेंस, द रूलर्स ऑफ वन बिट ऑफ लैंड एक्सरसाइज रूल ओवर अनदर सेपरेट वन वेदर द लेटर इज अ नेबर और ऑन द फार साइड ऑफ द वर्ल्ड। वही बात है ना कि एक और लोग हैं जिन पर आप कब्जा कर रहे हैं, वो बिल्कुल साथ भी हो सकते हैं और बहुत दूर भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर इंपीरियलिज्म क्या है, ये आगे हम एडवर्ड सईद का हम पढ़ चुके हैं। कॉलोनाइजेशन क्या है, रेफर्स टू लार्ज स्केल पॉपुलेशन मूवमेंट्स वेयर द माइग्रेंट्स मेंटेन स्ट्रॉन्ग लिंक्स विद देयर और देयर एंसेस्टर्स फॉर्मर कंट्री गेनिंग सिग्निफिकेंट प्रिविलेजेस ओवर अदर इनहेबिटेंट्स ऑफ द टेरिटरी ऑफ सच लिंक्स। अब इसमें जो एक बड़ी तकसीम है, अगली मरतबा हम उस पर बात करेंगे कि एक कॉलोनियलिज्म जो है वो सादा है जो इंग्लैंड वगैरह यहाँ पे आया था, बरसगीर में आया या अफ्रीका के कुछ ममालिक में आया, और एक सेटलर कॉलोनियलिज्म है, ठीक है, जो अमेरिका अमेरिकाज में किया, जो ऑस्ट्रेलिया में किया, कि जहां वहां गया पूरी आबादी को खत्म करके और वहां से लोग लाकर आबाद किए गए। बरसगीर में ये नहीं किया गया, अफ्रीका के ज्यादातर ममालिक में ये नहीं किया गया, चंद को छोड़ के साउथ अफ्रीका वगैरह में ऐसा हुआ है कि वहां गोरे जाके वहां पे आबाद हो गए, ठीक है, तो वरना बाकी जगहों पे कॉलोनाइजेशन और तरह की थी। उसी तरीके से इंटेलेक्चुअल इंपीरियलिज्म किसे कहते हैं, कल्चरल इंपीरियलिज्म किसे कहते हैं, कुछ लोगों ने एक एक डायकोटमी नहीं बनाई है, फॉर्मल इनफॉर्मल एम्पायर्स। तो अब इस वक्त जो दुनिया में जो पिछले सवाल किया था ना, अब इनफॉर्मल एम्पायर्स का दौर है, अब फॉर्मल एम्पायर्स का दौर जो है वो खत्म हो गया। तो जनाब ये हमने बात की है, तो अगली मरतबा मजीद हम कुछ कॉलोनियलिज्म की मुख्तलिफ शक्लें, खासतौर पर एक तो सेटलर कॉलोनियलिज्म क्या है और फिर इंटेलेक्चुअल कॉलोनियलिज्म क्या है या इंटेलेक्चुअल इम्पीरियलिज्म क्या है, ठीक है, उस पर इंशाल्लाह कुछ बात करने की कोशिश करेंगे।